ओंकारेश्वारूढ़े नीलनीरजलोचने त्रैलोक्यकमुखे दिव्ये कालिकायै नमोस्तुते प्रत्यालीढ़ पदे घोरे मुंडमाला प्रतिलंबिते खर्वे लंबोदरे भीमे कालिकायै नमोस्तुते नवयौवन संपन्ने गजकुंभोपमस्तनी वागीश्वरी शिवे शांते कालिकायै नमोस्तुते लोलजिह्वे हरालोके नेत्रत्रये विभूषिते घोरहास्यत्कटाकारे देवी कालिकायै नमोस्तुते व्याघ्रचर्मांबरधरे खड्गकृतककरे धरे कपालेन्दीवरे वामे कालिकायै नमोस्तुते नीलोत्पलजटाभारे सिन्दूंद्रेन्दुमुखोदरे स्फुरद्रक्तत्रोष्टदशने कालिकायै नमोस्तुते प्रलयानल ध्रुमाभे चंद्रसूर्याग्निलोचने शैलवासे शुभे मातः कालिकायै नमोस्तुते ब्रह्मशंभुज लोघे च शवमध्ये प्रशंसिते प्रेतकोटि समायुक्ते कालिकायै नमोस्तुते कृपामयि हरे मातः सर्वाशाप परिपूरिते वरदे भोगदे मोक्षे कालिकायै नमोस्तुते इति उत्तर तंत्रार्गतम् श्री काली तांडव स्रोतम् संपूर्णम्। सभी को सुप्रभात और
आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? कोई बता दीजिए, कोई मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? जय हिंदू राष्ट्र सभी को, जय माँ काली। इंदिरा जी अगर आप हैं तो प्लीज बता दीजिए आवाज आ रही है कि नहीं। मुझे लगता है कि आवाज आ रही है अब जी। स्टार जी मेरी आवाज आ रही है क्या? जी राज जी मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, धन्यवाद आपको। तो आज हम मोहम्मद के कितने बच्चे थे और क्या था उसके बारे में जानकारी जो है, मैंने कल किसी ने मेरी स्ट्रीम में बोला था कि भाई इनके बारे में हमें बताइए, तो मैंने यही सोचा है कि मैंने देर रात तक इसी का रिसर्च करा। और तो मैं आपके साथ जो है, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ पढ़ देती हूँ, तब तक और लोग भी जुड़ जाएंगे, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आज की न्यूज़। तो पहली न्यूज है कि 1.2 करोड़ का फ्लैट बैंक में जमा है, 7 करोड़, फिर भी मुंबई में भीख मांगते हैं भारत जैन, दुनिया के सबसे अमीर भिखारी हैं ये। ये कहानी सोशल मीडिया में छा गई है। गीता प्रेस वाले गोरखपुर से पीएम मोदी ने जोधपुर और अयोध्या को दिया वंदे भारत रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखी। 498 करोड़ होंगे खर्च। स्कूल का नाम डी वाई पाटिल, प्रिंसिपल एलेक्जेंडर, छात्राओं के बाथरूम में लगाया सीसीटीवी, ईसाई प्रार्थना थोपा, अभिभावकों ने पीटा तो लिबरल फैलाने लगे हिंदू फोबिया। अगली न्यूज है, हमारी बीवी बदबूदार, जन्नत में मिलेगी 100 मर्दों की ताकत। सवाल फिल्म 72 हूरे पर जवाब में अपनी बीवियों को खींच लाए निजामुद्दीन के दुकानदार। एमपी के सीधी पेशाब कांड की आड़ में किसी ने आरएसएस तो किसी ने तिरंगे के लिए दिखाई घृणा, स्वयंभू लोक गायिका नेहा सिंह राठौर। अगली न्यूज है, दारू पीकर बस चला रहा था दानिश शेख, जलकर मरे थे 25 यात्री। बुल्हाड़ा हादसे में फॉरेंसिक रिपोर्ट से खुलासा, टायर ब्लास्ट का कर रहा था दावा। अच्छा, ये दारू पी के बस चला रहा था, तो इसे इस्लाम में तो दारू पीना मना है, फिर भी ये दारू पी के इसने इतने सारे लोगों को मार दिया। जिहाद कर रहा था। फ्रांस में मुस्लिम भर जाएंगे बनेगा इस्लामी मुल्क, दंगों के बीच मौलाना का पुराना वीडियो वायरल, 2050 तक मिशन पूरा करने के बताए थे 3 तरीके। अगली न्यूज है, तारों से बांध डिक्की में डाला, गले पर लगाए चीरे, फिर जिंदा ही गाड़ दिया। भारतीय छात्रा से ऑस्ट्रेलिया में पूर्व प्रेमी ने लिया भयावह बदला। माई गॉड, कौन है ये छात्रा, इसकी शक्ल देख लेते हैं, ये तो बहुत गंदा तरीका है मारने का। अरे सरदार जी हैं। जस्मीन को जिंदा दफनाने वाले तारिक जोत को उम्र कैद की सजा, इसको जिंदा गाड़ दिया इसने। ये नर्सिंग की छात्रा है, 21 वर्षीय है, उसके प्रेमी तारिक जोत सिंह ने उससे इस तरह से करा हत्या का। नाम में गीता, काम में गीता। गीता प्रेस शताब्दी वर्ष समापन समारोह में बोले पीएम मोदी, कहा ऐसी संस्थाएं देश को जोड़ती हैं। सीएम बघेल के आशीर्वाद से हुई भयंकर लूट, छत्तीसगढ़ में 2161 करोड़ के शराब घोटाले में बीजेपी का आरोप, दावा पैसा सत्ताधारी पार्टी को गया। मैं पॉलिटिक्स नहीं पढ़ना चाहती। मोदी योगी मुस्लिम बन जाएं तो
बहुत कुछ सुधर जाएगा। तबलीगी जमात के मौलाना ने दी इस्लाम कबूलने की दावत, कहा भारत में भी आएगा शरिया। बढ़ाया गीता पैट जाएंगे, तबलीग जमात को बयान करना चाहिए मैडम। शिव पुराण का करेंगे विमोचन, धार्मिक पुस्तकों को घर घर पहुंचाने वाली संस्था के बारे में बताएंगे। चलिए न्यूज तो हो गई है, तो इंदिरा जी आप बहुत अच्छा आ गए, थोड़ा आप बोलिए, मैं एक मिनट वॉशरूम से। नमस्ते, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। ये जो तबलीग जमात है, आवाज आ रहा है आपका माइक तो यहाँ पर अनम्यूट दिखा रहा है, लेकिन आवाज इधर नहीं आ रही मेरे को, नहीं आ रही आपकी आवाज। आवाज आ रहा है अभी, रिजाइन करता हूँ। सॉरी अब आ रही है, अभी तक मैं जो बोली थी आवाज आ रही थी। हाँ हाँ आपका आवाज पूरा आ रहा था, मैं कुछ बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि नमस्ते, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। ये जो तबलीग जमात है, इन सबको जेल भेजना चाहिए और इन सबको अरेस्ट करना चाहिए। सबसे बदमाश यही है, सबसे बड़े बदमाश यही है, इन्होंने ही गद्दर मचा रखा है हर जगह पे। और जहाँ लोग हिंदू बन जाते हैं, वो ये जाके उनको मार पीट के फिर दोबारा मुसलमान बना देते हैं, ये उनका है फिकर, ये उनका फितरत है। बहुत बदमाश है ये, इनको पहले ही सांप और तबलीग जमात मिले तो सांप को छोड़ दो, तबलीग जमात को पहले पकड़ के मारो, ये जरूरी है। तो इनको सरिया चाहिए, सरिया जो लोहे का रॉड होता है ना, सरिया, इसी में उनका सर को ठोक दो, इनको वही चाहिए बस, तब ठीक हो जाएंगे ये। और सभी साथियों को मेरा प्रणाम, नमस्ते, जय श्री राम, जय माँ सरस्वती। मैं थोड़े देर के लिए स्वस्ति पाठ करूँगा कि ये जो चैनल है इसका सब शुभ हो, इसमें कोई भी अगर क्लेश है या वास्तु दोष है वो कट जाए। आप लोग घर में भी इसको पाठ कर सकते हैं, इसमें वास्तु दोष कट जाता है, इसको स्वस्ति पाठ कहते हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वदस्रभ, स्वस्ति न पूष विश्ववेदा, स्वस्ति न सर्क्यो अरिष्टनेमी, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम स्वस्ति न इंद्र बृद्धस्रभ, स्वस्ति न पूष विश्ववेदा, स्वस्ति न अष्टक सर्क्यो अरिष्टनेमी, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम स्वस्ति न इंद्र बृद्धस्रव, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति न साक्यो अरिष्टनेमी, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। सब शुभ हो, सबके लिए जगत का कल्याण हो, धर्म की स्थापना हो, अधर्म का नाश हो, सनातन की शत्रुओं का समूले विनाश हो। तो ये हुआ है आज का एक न्यूज है कि जो साहिल ऑफिशियल एक्स मुस्लिम वो बैन हुआ है, ये इंडिया में बैन हुआ है, तो इसका मतलब है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई लेटर गया है तभी इन्होंने बैन किया, अदरवाइज एक कंट्री वाइज तो ऐसे बैन नहीं करते। इनको बैन करना है ऑल ओवर बैन कर देते हैं, नहीं तो छोड़ के रखते हैं उनको, तीन चार बार स्ट्राइक आने तक वो रखते हैं, फिर स्ट्राइक आने के बाद उनको व्यू पूछते हैं, फिर बताते हैं, नहीं तो फिर उसको रिक्वेस्ट करने या अपील करने से उसका विचार भी होता है। लेकिन इस केस में जैसे जाफर हेरेटिक का और क्या नाम है, और दो तीन हैं वहाँ का, एक है हरिया, हरिया है, और एक है, ये तीन तीन लोग हैं, तीन या चार हैं, उनका चैनल पाकिस्तान में बैन है, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने लिख के दिया तभी बैन हुआ। उसी तरह इंडिया गवर्नमेंट पे लिख के इसके बारे में दिया है तभी इंडिया में बैन हुआ है, तो ये गलती हुआ है, ये बहुत गलत बात है। इसको अपना बात कहने का अभिव्यक्ति की आजादी है, और जो वो बोल रहा है कुछ भी हो, मेरा हमें उनके साथ कोई भी डिफरेंस हो, कुछ भी हो, वो अलग बात है। या पैसे वो लेते हैं, चंदा लेते हैं, ठीक है, लोग दे रहे हैं वो ले रहे हैं, बात अलग है। लेकिन ये है कि देश को अगर तुम सेकुलर कहते हो तो सेकुलर रहो ना, तुम किसी पर्टिकुलर को क्यों उसका हेल्प करने, मदद करने, उसके लिए तुम जिसको कहते हैं बेंडिंग बैकवर्ड,
उसको बेंडिंग बैकवर्ड करके तुम उसको बिल्कुल खुश करने के लिए तुले हुए हो, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और कम से कम गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट को तो ये चीज समझना चाहिए और अपना जो भी कंप्लेंट दिया है उसको वापस ले लेना चाहिए। सिमिलरली एक और न्यूज है, पुन्नू करके एक खालिस्तानी था जो कनाडा और अमेरिका में बैठ के इंडिया के खिलाफ लगा हुआ था। अब ऐसा हुआ कि ये जो पुन्नू है, पुन्नू कार एक्सीडेंट में मारा गया। कार एक्सीडेंट में मारा गया, किसने मारा क्या मारा पता नहीं है। ये भी हो सकता है थोड़ा दारू ज्यादा पी लिया होगा, जैसे वो ये अभी जो पहले बोला था बस का ड्राइवर, दारू पी के सब लोगों को जला दिया लेकिन खुद बच गया, ये अजीब बात नहीं है क्या? और अब तो दारू का टेस्ट भी नहीं हो सकता, ऐसे पन्नू का अभी दारू का टेस्ट हो नहीं सकता, दारू पी के चला रहा होगा या ड्राइवर ने ज्यादा दारू पी दिया होगा या वहां से कोई पुराना उसका जान पहचान होगा वो ठोक दिया उसको, तो पन्नू का तो हो गया काम। और ये लोग जो लोग आग जलाए थे अब उनका हिसाब होगा, कॉन्सुलेट में आग जलाए थे अमेरिका में, तो उनका हिसाब होगा। अमेरिका गवर्नमेंट ने बोल दिया हम इनके ऊपर सख्त से सख्त धारा जारी करेंगे, क्योंकि अर्सनी तो ऐसे ही अमेरिका में बहुत बड़ा क्राइम है और अर्सनी के ऊपर एक क्राइम में इनको रखा गया है, अर्सनी से ऊपर ज्यादा क्राइम है, तो इस क्राइम में इनको रखा गया है जो कि सबसे बड़ा क्राइम है, तो इनका उसमें विचार होगा। पहले तो अच्छे तरह से उनकी ठुकाई जेल होगी, उसके बाद उनको अमेरिका छोड़ के कहीं जाना पड़ेगा और उनके ऊपर कोई इंडिया में तो आ नहीं सकते, इंडिया गवर्नमेंट उनको बैन रखा है, अमेरिका छोड़ के पता नहीं कहाँ समुद्र में डूब के मरेंगे सब। कनाडा ने भी बोल दिया कि हम भी उनको छोड़ेंगे नहीं, वी डू नॉट एक्सेप्ट द टेररिस्ट टेररिस्ट एंड टेररिज्म इन आवर कंट्री, सो वी विल टेक प्रॉपर एक्शन अगेंस्ट देम। तो कनाडा ने बोल दिया और यूके ने भी बोल दिया कि अब हम इन लोगों को हमारे, एक बार उन्होंने किया था उसके बाद यूके ने मना कर दिया, यहाँ किसी को हम अलाउ नहीं करेंगे। और इंडिया का कॉन्सुलेट ने भी, इंडिया का एम्बेसडर जो भी थे वहाँ, हाई कमिश्नर कहते हैं वहाँ, तो उन्होंने भी जितने लोग थे उनको पकड़ पकड़ के सबको उनका डिपोर्ट कराया, इंडिया सबको वापस कराया और उनको जेल जाएगा ये सब। और वहाँ जो बैठ के मजा ले रहे थे ये सब मजा अब बंद हो जाएगा। बाकी ये तो जो खालिस्तानी है वो लाहौर और नानकाना साहेब, लारकाना साहेब उसको नहीं बोलते कि इसको हमारा, ये हमारा है, जबकि लाहौर उनका कैपिटल था, लारकाना साहेब उनका सबसे बड़ा तो धर्म स्थान है, उसको नहीं कहते। और एक काबुल में भी है उसको नहीं कहते, और कहाँ बनाएंगे खालिस्तान, छोटा सा पंजाब के अंदर कुछ करके उसमें खालिस्तान बनाएंगे, और राजस्थान में भी चाहिए, भाई राजस्थान को तो छोड़ दो वो तो उनका है, बनाओ ना तुम पहले पाकिस्तान में बना के दिखाओ, मान जाएंगे तुमको कितना तुम्हारा जिगरा है, बनाओ पाकिस्तान के पंजाब को पूरा लेके, पूरा पाकिस्तान ले लो, खालिस्तान बना लो उसको, ऐसे ही खाली पड़ा है, तुम्हारे औकात नहीं है ये करना, क्योंकि ऐसे का दूम चाटते हो तुम, ऐसे का दूम चाटोगे तो फिर क्या होगा, यही होगा जैसे तो पुन्नू ठोका गया और दो चार भी ऐसे ठोक के मरे हैं, एक को ब्लड कैंसर हो गया, बोला इंडिया गवर्नमेंट उसके ब्लड में कैंसर मिला दिया, ये बात सही है, सरदार भी बोल सकता है ऐसी बात। जी इंदिरा जी, धन्यवाद हाँ संभालने के लिए। नहीं बताओ, आज मुझे इंडिया इंदिरा गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट उसके ब्लड में कैंसर मिला दिया, उसको ब्लड कैंसर हो गया भाई, वो क्या कोई कर सकता है क्या इस तरह, नहीं रॉ की वो साजिश होगी, जी हाँ बताइए, रॉ की रा ने साजिश। जी पहले तो पुल्स आई थी अब रा आके ब्लड कैंसर करा दिया। चलिए जो शुरू करिए मैडम फिर। जी आज मेरे को बड़े सारे काम थे, आज मैंने बड़े बड़े वो कर हाँ दिए। एक मिनट में ये दरवाजा भी जी बंद कराऊंगी, ये शोर जाएगा, मेरे हस्बैंड सो रहे हैं। हाँ मैडम, नहीं आपने बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, सच बता रहा हूँ, कोई भी चैनल नहीं है जो इस तरह बिड़ा कर रहा है, और इज्जत से, कोई बेइज्जती नहीं, कोई ये नहीं, पूरा सारा इन डेप्थ जाके, इन डेप्थ पढ़ के, इन डेप्थ डिटेल दे के, एक एक स्ट्रीम में इतना इतना इंफॉर्मेशन और नॉलेज दिया जाता है जो उनके 100 स्ट्रीम में भी नहीं मिलेगा। और
मुझे अच्छा लग रहा था। सच वाला जी करते थे एक पुराण के ऊपर पूरा वो डिटेल स्ट्रीम करते थे, अब वो करना छोड़ दिया उन्होंने कि वो उसमें आ गए ये वो क्या ऐसा का कहाँ टांग फैलाया कैसे टांग फैलाया ये सब उसमें आ गए। और नहीं वो ऐसा तो हदीस में नहीं जाते, वो कुरान में ही जाते हैं, लेकिन कुरान में दूसरा चीज ले रहे हैं, वो चीज छोड़ दिया उन्होंने। और लोग तो ये भी बोल रहे हैं उन्होंने अब मुसलमान बन गए, पूरा पक्का पक्का छोटी सी मुसलमान लड़की एक्सेप्ट से कर लिया। शादी कर ली है, ये भी सुना है मैंने। हाँ, और इसीलिए बेटे ने मारा। मैं बोला भाई बेटे को तो गलती किया, बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए, बापू को मारना नहीं चाहिए। जो नई दुल्हन आई है तू लेके उसको भाग जाता, दोनों काम सही हो वो जाते। मुसलमान थी ना, उसके लालच में क्लिक करा, बना होगा हाँ मुसलमान हो क्या। ये गलत बात है ना, नेचुरली तो गुस्सा होगा, बेटा तो गुस्सा ही होगा इसमें, ये अच्छी बात नहीं है। और चलिए कोई बात नहीं, उन भगवान उनका भला करे, उनके फैमिली का भला करे, हमें उसमें कुछ नहीं करना। ये साहिल का जो भी हुआ, कोई भी हमारे डिफरेंस हो सकता है, कुछ होता है, ऐसा पता तो है कोई आपको डिफरेंस है इंदिरा ही जी, नहीं। मेरे पास ना अभी से एक लगभग 1 महीना पहले ना एक मेल आई कि आपका यूट्यूब चैनल बंद है और जी आपको ये नोटिस दिया जाता है समथिंग समथिंग। तो मैंने सोचा है ये क्या हो गया, और सीधे सीधे ऐसे, और यूट्यूब का, और मैंने देखा और उसका बैनर वो भी लगा हुआ है, सब कुछ सही है। तो मैंने जल्दी जल्दी यूट्यूब में ना बात करी, चैट करा। तो जी एक तरीका है चैट करने का, मैंने वो फॉलो हाँ हाँ करके हाँ चैट करा और मैंने उनसे बोला कि ये क्या कैसे मेरे पास एक ईमेल आई है। तो उन्होंने कहा हमने कोई ईमेल नहीं भेजी। तो बिल्कुल ये जो स्कैमर्स हैं, ये लोग हमको डराने के लिए बिल्कुल यूट्यूब की तरफ से फेक ईमेल्स भेज रहे हैं कि आपका चैनल बंद करा जा रहा है, ये है वो है। और उसमें मैंने ध्यान से दोबारा से ईमेल में देखा कि नीचे बिल्कुल यूट्यूब का कैलिफोर्निया का एड्रेस और ये वो बिल्कुल वैसे ही कॉपीड, और ऐसी ही हाँ मेल बना के ये लोग हाँ ये बहुत जो है मेरे को मेल हाँ करा इन्होंने। तो ये लोग ना बहुत, और ये ना बिल्कुल आपको जेन्युइन सा लगेगा हाँ जो जो इसका एड्रेस है जी जहां से आई है मेल। तो ये क्या करते हैं, छोटा सा एक डॉट लगा दिया या ऐसे कर दिया तो उससे वो चेंज हो जाता है। तो ये अपना जी फेक जी जी बिल्कुल उसके जैसा बनाने के लिए हल्का सा डॉट या डैश लगा के उसको एकदम फर्क कर देते हैं। तो इस तरह से भी ये लोग करते हैं। तो मैंने तो जल्दी जल्दी वहां पे पूछ ही लिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये चाहिए कितने भी स्कैमर मेल भेजें। तो मैं यही बात कहना चाहती थी साहिल से कि ये मुझे तो स्कैम ही लगता है, क्योंकि ये लोग स्कैम कर रहे हैं इस तरह से बोल बोल के। 1 महीने पहले मेरे साथ हो चुका है, वो तो मैंने यूट्यूब वाले से फटाफट बात करके पता कर लिया। ये लोग ऐसे बहुत स्कैम्स चलते हैं। मेरे पास एक आता है स्कैम कि आपको पुलिस में कर देंगे, आपके पास जो है वो सिटीजनशिप नहीं है, ये है वो है। मैं तो इतने सालों से हूँ यहाँ पर, तो मेरे को ऐसा फोन कर रहा, तो मैंने कहा ठीक है बुला लो पुलिस, अभी बुला लो। तो फिर मतलब ये इस तरह से ना बार बार ये स्कैमर्स के फोन आते हैं जगह जगह लोगों को, और ये ही करते हैं। तो मैं तो अब वो कर दिया है, जी स्क्रीनर क्या ऑन कर देती हूँ। उसका रिकॉर्ड रख के आप पुलिस के पास भेज देते विथ हिज फोन नंबर मैंने, एक्सेट्रा, हाँ मैंने तो एक्चुअली मजा आ मैंने जाता। पहले पहली बार जब फोन आया तो मुझे लगा हाँ कि ये हाँ पुलिस क्यों ऐसे मेरे को फोन करेगी। तो मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में फोन करा, मैंने पुलिस जी में जी एक जी वैसा नॉन इमरजेंसी नंबर होता है वो कॉल करके पूछा कि भाई ऐसे ऐसे मेरे को आया, तो उन्होंने कहा हमें तो नहीं आया। तो ये लोग इस तरह से स्कैम कर रहे हैं बार बार। तो मैं यही कहना चाहती हूँ साहिल से कि क्या उसको पक्का पता है उसका चैनल बैन हुआ है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि ये जो है स्कैमर भी स्कैम भी हो सकता है। हाँ ऐसा ही लग रहा है, वो चेक करे, हमें भी तो दिख रहा था, बाकी आज तो देखा नहीं मैंने, देखने से पता चलेगा, मैं और देखूंगा। कुछ लोग तो ये स्ट्रेटेजी भी होती है इंदिरा जी, क्या करते हाँ हैं हाँ यहाँ पे तो हाँ 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 बहुत हाँ सारे हाँ लोग हाँ है ना, वो क्या करते हैं कि बोल देते जी हैं हम क्लोज कर रहे हैं, तो फिर सारे लोग वहां जल्दी जल्दी खरीदारी करने आते हैं। फिर वो क्या करते हैं हाँ हाँ कि हाँ कहीं हाँ और, अच्छा एक जगह वही मॉल, जैसे मान लो के मार्ट के साथ मैंने देखा था पहले, यहाँ एक के मार्ट होता था जैसे हाँ वॉलमार्ट है, तो ऐसे के मार्ट होता था, तो वो एक जगह जो है क्लोज हो रहा है, दूसरी जगह नया खुल रहा है। अगर तुम्हारे कंपनी के पास पैसा नहीं है तो दूसरी जगह नया कैसे खुल रहा है। तो ये अजीब अजीब बातें हैं, ये कई कई स्ट्रेटेजीज लोग अपनाते हैं। हाँ हाँ तो हाँ ईशान ये जी बात आप ही सही है। बोल दीजिए साहिल को कि ऐसे ऐसे मेरे पास भी एक मेल आई थी, तो वो तो स्कैम थी, मैंने यूट्यूब से चैट करके पता जी कर जी लिया। जी हाँ नहीं ये जो आप बोल रहे हैं वही हो सकता है, बेसिकली वही हो सकता है।
हाँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि हाँ मुझे नहीं लगता कि जो है वो साहिल तो वैसे भी बहुत अच्छी तरह से बोलता है और वो तो ना सारे रेफरेंसेस दिखा के बात करता है, तो हाँ फिर उसका हाँ चैनल क्यों बंद होगा? फ्रीडम जी ऑफ जी एक्सप्रेशन है हमारे पास, और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए जो हम किताब खोल के ही तो दिखा रहे हैं। नहीं, लोग भी उसको गाली दें ये करें, वो चुप रहता है, इज्जत से हाँ बात करता है, ये कभी कभी ऊंची आवाज भी नहीं करता, भाई भाई करके बात करता है, ऐसे कोई नहीं। ये मुझे लग रहा है ये सब कोई स्कैमर्स हैं, ऐसे उल्टा सीधा कर रहे हैं। और इन इन स्कैमर्स को ना, ये जो फोटो कॉपी करके ये से कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, उनको 72 हुरी का फोटो कॉपी मिलेगा जन्नत में, समझ रहे अरे कोई नहीं, ये लोग हैं? कितना मूर्ख बनाते हैं ये मुसलमानों हाँ को, वहां पर हाँ कोई वही 72 हुरे नहीं है, इनको पता नहीं कैसा चल, इतना लालच इन मौलवी, इतने गंदे गंदे शक्लों के, और ये हाँ जो ऐसी लड़कियों के लिए ऐसे लार टपकाते हैं, मतलब ऐसे, इससे ज्यादा बेटर तो मेरा कुत्ता है। जी। चलिए शुरू करते हैं। जी मैडम। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, कल कोई स्ट्रीम में बोल रहा था कि मोहम्मद के बच्चों कितने थे और ये वो, तो उसी पर मैंने देर रात तक बैठ के स्ट्रीम बनाई है, तो जी उसी को मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। मैंने इतनी जल्दी जल्दी बनाई है, मैंने उसका कुछ भी नहीं करा, मतलब कि उसको डेकोरेट वगैरह नहीं कर पाई मैं। मैडम, मुझे सभी इस्लामिस्ट से रिक्वेस्ट है कि आप ना मोहम्मद की सुन्नत को मानो, उन्होंने जितना बच्चा पैदा किया आप उतना ही बच्चा पैदा करो, ज्यादा मत करो। हाँ, फिर वो सारा चलिए दुनिया ठीक हो जाएगा। जी, मोहम्मद के जी बच्चे, चिल्ड्रन ऑफ मोहम्मद। जी जी तो ये देखिए, ये मोहम्मद के बच्चे, ये जो है मेरे तारा मैकार्थर, जो इस किताब की वो है ना, उससे मैंने परमिशन ली है उसके पिक्चर्स यूज करने के लिए। अच्छा। हाँ, वो जो ऑथर है उससे, हाँ, उसने उन्होंने मेरे तो को बढ़िया लिखा परमिशन था, उन्होंने बहुत दिया बढ़िया लिखने लिखा के था वो किताब। हाँ, लिए। वो जो जी किताब है बहुत ही अच्छा तो लिखा ये था देखिए, उन्होंने। मोहम्मद और उसकी फैमिली, और जी यहाँ पर उसकी वाइफ्स की फोटो है ये। द नेम्स ऑफ मोहम्मद वाइफ्स वर आयशा, फातिमा, हफ्सा, हिंद, जुवेरिया, मरिया, मैरी, मैमुना, मुलैका, रमला, जिस जो हबीबा थी, रेहाना, सफिया, सौदा और जैनब। ये जी दूसरी जी वाली जैनब है। तो हाँ हाँ इतनी हाँ सारी उसकी वाइफ्स के लिस्ट है, पर वैसे एक्चुअली इस किताब का नाम ही 19 वाइफ्स ऑफ मोहम्मद है, तो हाँ 19 19 ही वाइफ्स है। थी उसकी, जी और जी एक जगह मैंने पढ़ा था 66 कॉन्क्यूबाइंस थी उसके पास। हाँ, वो तो थे। अली को एक भी नहीं दिया, बेचारा मांग मांग के थक अच्छा, गया, उसको दिया नहीं। फैमिली ऑफ मोहम्मद, हाँ, नहीं, अली ने करा रेप दो दो बच्चों का, बाद लेकिन में वो करा। अपने हाँ उसको हमेशा के लिए मिस्ट्रेस नहीं रखने दिया। हाँ 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 ये है फैमिली ऑफ मोहम्मद, ये हाशिम, और इसका दो बेटे थे, असद और अब्दुल मुत्तलिब, और असद की फातिमा, अब्दुल मुत्तलिब का अब्बास, उससे अबासिड कैलिफ्स आए, और ये सारे भाई बहन थे, अब्दुल्ला, हाकिम, जामिल जिसको रेड फेस बोलते थे, उमामा, हमजा, सफिया और अब्बास, और अब्दुल्ला का बेटा ये जो अब्दुल्ला, तो उसकी अमीना से, मतलब ये चोजन हस्बैंड है, उसका बाप नहीं है बायोलॉजिकल, ये है खदीजा के साथ, ये मोहम्मद इसका बेटा। तो ये फैमिली है पूरी, और मोहम्मद के सारे बच्चों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। तो अब चलते हैं, ये खदीजा की फैमिली का टेबल है ये। जी तो खदीजा के असद इब्न अब्दुल लुजा, उसका बेटा, वो तो रॉयल फैमिली थी, उसका तो बहुत ही अच्छा फैमिली थी, रईस ख्वालिद, फैमिली थी वो। हाँ नौफाल और हुवैरियत, और नौफाल का बेटा वराका, जी। और ख्वालिद के रुकैया, हिजाम, अलवाम, आदि, हला, खदीजा और नौफाल। तो ये नौफाल जो है, और ये खदीजा, और इसकी एक बहन है हाला। बस मुझे यही दिखाना था कि खदीजा की बहन थी हाला। अच्छा, खदीजा ऐसे परिवार से इंदिरा जी बिलोंग करती थी जो बड़ी फॉरवर्ड थी, तो वहां पर ना जी जी ये जी लोग वो थे ना खाना बदोश लोग, और ये लोग जिस कबीले से आती थी खदीजा, वो बड़ा फॉरवर्ड मॉडर्न कबीला था, वहां पर विमेन जो है वो पॉलियंड्री करती थी, बहुत सारे हस्बैंड्स रखती थी।
ये जो हाला थी इसके बहुत सारे हस्बैंड्स थे और ये इसकी बहन है सगी खदीजा की। मैं हाँ, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे ये आएगी, तो जी यही मुझे जी जी दिखाना था इसमें। और हाँ अच्छा, खदीजा ने 3 शादियां की, उसका जो हाँ पहला हस्बैंड है उसका उसका ये फैमिली ट्री है। और मैं इनके सारों के नाम नहीं पढ़ना चाहती, उसका नाम। हाँ कोई नहीं, वो सब लेकिन रॉयल लोग थे, वो बहुत ही हाँ, ऊंचे दर्जे का लोग थे और ये जो है खदीजा का सेकंड हस्बैंड, जी, वो भी ऊंचे दर्जे का आदमी उसकी। था। हाँ, अभी। और ये खदीजा का थर्ड हस्बैंड जो कि मोहम्मद है, ये जी 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 उसका चार्ट है। इनके सारे नेम कितने कितने सेम सेम से होते हैं। हाँ वो अच्छा, सेम ये सेम हो उसके जाते हैं। बच्चे हैं टोटल। ये कासिम 598 टू 601, ये मर गया। जी 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 इसके दो बेटे हुए जो मर गए, हाँ एक अब्दुल्ला और एक कासिम। अभी ये जो जैनब है और रुकैया है और एक उम्म कुलथम, ये जैनब है, ये रुकैया है, ये उम्म कुलथम है, ये फातिमा। केवल एक फातिमा उसकी बायोलॉजिकल बेटी है मोहम्मद का, और कोई बच्चा नहीं था सिवाय हाँ हाँ फातिमा हाँ के। शी वॉज द ओनली डॉटर हाँ बायोलॉजिकल, फातिमा। इसकी शक्ल भी मोहम्मद से मिलती थी। अब्द अल्लाह मर गया था बचपन में, और इब्राहिम जो था वो मारिया किप्तिया का बेटा था। और ये जो मोहम्मद था, ये रेड हैंडेड पकड़ा गया था उसके साथ सेक्स करते हुए, मारिया किप्तिया के साथ, क्योंकि इसने हफ्जा को बोला, इसके पास जगह तो थी नहीं, इसने हफ्जा हफ्जा की नौकरानी थी वो, तो उसने उसको हफ्जा को बोला तुम्हारा अब्बू तुम्हें बुला रहा है। वो गई जल्दी जल्दी, तो उसे पता चला उसके अब्बू ने नहीं बुलाया, तो वो उल्टे पैर फटाफट भाग के आई, तो उसने देखा इनको बिस्तर में, मारिया किप्तिया को और मोहम्मद को। तो इसके बाद जो है इसका जब बेटा पैदा हुआ इब्राहिम मारिया किप्तिया का, तो मोहम्मद आयशा के पास पूछने गया क्या वो मेरा बेटा है, तो मोहम्मद आयशा बोली कि वो तुम्हारे से नहीं लगता, क्योंकि इसके घुंघराले से बाल थे और शायद मोहम्मद के भी थे, तो उसने कहा वो तो तुम्हारा बेटा नहीं लगता। और एक्चुअली में मारिया किप्तिया का एक लवर था, वो मारिया किप्तिया का जो लवर था, तो मोहम्मद ने उसको मरवाने के लिए किसी को भेजा, तो उस आदमी ने मारिया किप्तिया के लवर को बजाय मारने के उसको नपुंसक बना दिया। खैर, उसकी कहानी अलग है, तो यहां से पढ़िए अभी। इंदिरा जी, आप हैं कि चले गए? हाँ हाँ मैं हूँ। आवाज आ रहा है? आवाज हाँ, आ आ रही रहा है, है ना? आ रही, आ रही है। बताता हूँ। फातिमा मोहम्मद की एकमात्र जैविक बेटी। कई शिया स्रोतों का तर्क है कि जैनब, रुकिया और उम कुलथुम को मोहम्मद ने उनकी माँ खदीजा की बहन हला के मृत्यु के बाद गोद लिया था। अब्बास के अनुसार अधिकांश शिया मुसलमानों का मानना है कि फातिमा मोहम्मद की एकमात्र जैविक बेटी थी, जबकि फेडल ने इस विश्वास का 12वर शियावाद तक सीमित रखा है। हैदर का रिपोर्ट ये मानना है कि दक्षिण एशिया में शिया का बीज प्रचलित है। तो यही है, हाँ मैं यही बोल रहा था भाई, एक एक बेटी करो और छोड़ो, देख लो कितना दुनिया स्वर्ग बन जाएगा, यहीं तुमको हाँ सारे हुरी मिल जाएंगे तुमको। देखो, जो मोहम्मद हाँ के दो बेटे थे वो तो बचपन में मर गए, हाँ जो खदीजा के साथ थे। बाकी खदीजा की जो बहन थी हाला, वो मर हाँ गई, और उसके बेटे जो थे बच्चे वो थे, हाँ वो सब बच्चे उसी जो के थे। 3 बेटियां थी उसकी, जी जैनब, जी रुकैया और उम्म कुलथम, इसको गोद ले लिया था तीनों बेटियों को। जी 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 तो खाली फातिमा ही इसकी अपनी बेटी है उसका जो एक्चुअली थी जीवित है। रही। जी 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 ये भी तस्वीर, ये इसमें सारे मोहम्मद जो है बैठा हुआ है, और वो जी फातिमा के बच्चे हैं, हसन, जी जी लेकिन हुसैन, जैनब। ये ये कहानी सोर्स फातिमा क्या के है इसका? बच्चे हैं, नहीं वंश मैडम, थड़ा मोहम्मद का। हाँ नहीं ठीक है, आप जो बोल रहे हैं सही है, लेकिन बात है कि ये जो फोटो बनाया किसने बनाया, कहाँ, कब का है, कहाँ का है, अरे, ये कोई सब आइडिया? काल्पनिक फोटो है, मतलब अच्छा ये काल्पनिक। कि ये जो मैं ये कह रही हूँ, ये जो अच्छा फातिमा के बच्चों से इसका वंश हाँ चला, हाँ हाँ जो हसन नहीं और क्योंकि, हुसैन। अच्छा, पता है हाँ इंदिरा जी, आपको मालूम है क्योंकि ये हसन और हुसैन भी फातिमा के असली बच्चे नहीं थे,
ये ना ना, वहां वो तो का उनको सुल्तान था, कहीं से वो मार मुर के सुल्तान लेके आया था, था। हाँ, नहीं माँ नहीं बाप को मान मार के दिया नहीं, था वो जो उनको। सुल्तान था ना उसको इसने मार दिया और उसके बच्चे हाँ, मार किडनैप दिया कर लिए, राजा को मार दिया। उस टाइम में सुल्तान, यही सुल्तान लोग जो वहां सुल्तान का था। बनाते थे, हाँ, ये लोग सुल्तान बन गए हसन उसके बाद। हुसैन जैनब और उम्म कुलथुम, उसकी बच्चे थे। जी, उसका पांचवा बच्चा जो था मुहासिन वो बचपन में मर गया, जी तो जी ये जी फातिमा के बच्चे हैं। हाँ। तो ये मैं बोल रहा था कि मोहम्मद का फोटो मतलब चित्र बनाना ही हराम है, जो बनाएगा उसको मार देंगे। ये देखो, इवन सिया में भी फिल्म बनाते हैं तो उसका मुंह नहीं दिखाते, उसका मुंह नहीं दिखाते, और या ब्लैक ब्लैक करके एक सिया फिल्म बनी है फातिमा के ऊपर, उसमें भी ऐसा है कि उसको ब्लैक ब्लैक करके दिखाया है मोहम्मद, ये सबको जितना उनका। फातिमा को हाँ, ना शियाओं काफिरों की का। हाँ किताबों में एक संत जी के रूप में दिखाया है कि वो हाँ बड़ी हाँ सेंट उनका थी। क्या बताता हूँ, एंजल ऑफ, क्वीन ऑफ हेवन, इस तरह एंजल ऑफ हेवन या क्वीन ऑफ हेवन, इस तरह करके फिल्म का नाम है, और या गॉडेस ऑफ हेवन, इस तरह कुछ नाम है। हाँ और उसमें हाँ, मोहम्मद, फातिमा, अली, इन लोग, इन सबको, हसन हुसैन, इनको मुंह नहीं दिखाया, ब्लैक ब्लैक करके दिखाया या व्हाइट करके दिखाया। और ये जो लोग हैं आयशा, उमर, इन सबको निग्रो दिखाया कि वो लोग बदमाश होते हैं, ये लोग काले काले निग्रो के रूप में सब दिखाया, ये सब ऐसे। जी हाँ, ये पढ़े। मोहम्मद के जी सभी बेटे बचपन में ही मर गए, मोहम्मद के सभी बेटे बचपन में ही मर गए थे उनका, या तो किस जिन दो ही जेनेटिक थे बेटे, डिफेक्ट होगा। सभी बेटे लिखने की जगह हाँ दोनों बेटे हाँ बचपन में वो ही ही मर है, गए। मतलब जेनेटिक डिफेक्ट कुछ होगा, इसका मतलब है उन्हीं का। फिडमैन और मैकफील्ड के अनुसार उनकी प्रारंभिक मृत्यु मोहम्मद के उत्तराधिकार वंशानुक्रम आधारित प्रणाली के लिए हानिकारक थे। वैकल्पिक रूप में पिछले पैगंबरों के बाद मेडलुंग लिखते हैं कि उनके वंशज कुरान में उनके, अरे क्या बोंगी मारा है, उसके आध्यात्मिक और भौतिक उत्तराधिकारी बन गए। एक ऐसा मामला जो ईश्वरीय चयन द्वारा किया गया है, ना कि वफादारों के द्वारा। ये तो गजब है, फेंकने का हद है, हाँ फेंकने का हद है, ये क्या है? लेडी ऑफ हेवन, हाँ, बिनी जी ने सही लिखा है, लेडी ऑफ हेवन। और बिनी जी ने ये भी लिखा है कि उन्होंने चेक किया, इसका आ रहा है, साहिल का चैनल आ रहा है, ये सब वो उनका बैकअप चैनल पब्लिसिटी है स्टंट जो है। आ रहा है, नहीं हाँ, या तो जो बोले आप अभी वो वो हो बैकअप सकता है चैनल से है, जी। अच्छा पता नहीं मेरे को। हाँ, मोहम्मद की बेटियां बस हो गई, लेकिन वे सभी अपेक्षाकृत कम उम्र में ही मर गई। फातिमा ने अली इवन अबू तालिब से शादी की, और रुकवा और उम्म कुलथम ने एक के बाद एक उस्मान से शादी की। जैनब और जैनब ने अबू अल अस इब्र अल रबी, इब्न हाँ अल जैनब, रबी से अबू शादी की। अल, हाँ अबू अल अस इब्न अल रबी से शादी की, उस्मान से, उत्मान जो है, उत्मान, हाँ उत्मान ने दो बेटियों को शादी किया था ना, वो ठीक है, रुकवा और उम्म कुलथम, इन दोनों को शादी किया था। हाँ, और ये जो तीनों जी बेटियां जी ये हला की बेटियां हैं हाँ एक्चुअली में। जी, और उत्मान को और अली को ही लोगों ने मार दिया, ये देख लो, दोनों बने। मैंने ये ना अरेंज नहीं हाँ, करी है स्लाइड्स, तो ये कोई नहीं, पहले कोई एक जरूरत सोर्स नहीं। से है, फिर मैं हाँ दोबारा हाँ से कोई इसको नहीं, कुछ कोई जरूरत बताऊंगी। नहीं, बढ़िया है, कोई जरूरत नहीं। उम्मे कुलथम निसंतान रही, जबकि रुकिया ने एक लड़के अब्दुल्ला को जन्म दिया, जिसको 6 साल उम्र में मृत्यु हो गई। जैनब ने एक बेटे अली और एक बेटी उम्मामा को जन्म दिया, जिसने जिनसे फातिमा की मृत्यु के बाद अली से वो शादी कर ली, वही अली से जिसे इबन अबू तालिब की बेटा जो है उसे शादी कर ली। फातिमा ने 2 लड़के हसन हुसैन को जन्म दिया, जन्म नहीं दिया भाई, उसने उठा लिया किसके घर से, वो उठा और लिया था। उन्हीं के उन्हीं के माध्यम से मोहम्मद का संतान पर मुस्लिम जगत में फैली। और वो लोगों का भी कोई बच्चा नहीं था, वो सब ऐसे ही मर गए थे, और झूठ मूठ का उनका चला दिया, उनका वो क्या कहें, फेलोनी या जो भी है,
उनका वंश अनुक्रम वो झूठ मूठ का चला था, वो तो ऐसे ही मर मर गए थे, उनको सब दोनों को क्या ना उस्मान का बेटा ने मार दिया था दोनों को। फातिमा के वंशजों को सम्मानजनक उपाधियां सैयद, सारा दुनिया को उसने बर्बाद कर दिया, या शरीफ, बाकी सब बदमाश। ये जो बदमाश शरीफ था, दो जो शरीफ बदमाश होता है ना तो इंदिरा जी, वही हाँ अपने आप को जी आगे शरीफ हाँ लिखता वही है, खुद शरीफ कहता अपने है, आप को शरीफ बाकी लिखता सब है, उसको लिखने की बदमाश है। हाँ जरूरत है। हाँ, ये पाकिस्तान का भी प्राइम मिनिस्टर था ना, एक शरीफ तो चला नवाज गया। शरीफ, हाँ नवाज शरीफ। उन्हें अभी एक और शरीफ भी है, कहीं जाकर गया था पेरिस गया था, वहां किसी लेडी का छतरी लेके भाग गया। और इनकी हिमाकत देखो इंदिरा जी, ये हाँ लोगों ने ना जी पहले ये बोला कि हम भीख नहीं मांगे, भीख नहीं। अच्छा, इसने कहा हम पेरिस के प्रोडक्ट्स ना वो बॉयकॉट करेंगे। अरे तुम्हारे में हिम्मत है पेरिस के प्रोडक्ट्स खरीदने की? तो खरीद ही नहीं इन्होंने सकते। कहा हम ना फ्रांस को बॉयकॉट करेंगे, ये शुरू की पुरानी बात है। तो इन्होंने कहा हाँ फ्रांस फ्रांस के प्रोडक्ट्स नहीं, बॉयकॉट वहां भीख करते मांगने नहीं हैं। जाएंगे, अभी वहां इसके हम भीख बाद ना उसको मांगने नहीं शर्म जाएंगे, आई, उसको किसी ने सारा दुनिया में बुलाया, मांगेंगे। जी हाँ उसको हाँ किसी हाँ ने बोलिए बुलाया भी नहीं, फिर भी पहुंच गया। हदीस में निहित और उनसे अपने कहता भक्तों, है हमें पैसे दे दो, मतलब थोड़े से, जी 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 और हाँ हाँ आपने हमारे अब को फिर मांग रहे सपोर्ट हैं। नहीं किया है और ये वो। हाँ, हाँ भीख मांग ले। इतना तो कम से कम इतना तो बयान कर दो कि वो उसको हम भीख नहीं मांगेंगे, किसी को भी मांगेंगे उसको नहीं मांगेंगे, बांग्लादेश से मांग लेंगे उससे नहीं मांगेंगे, ये कर बोल दो। ये नहीं लोग ना जी काम पड़ने पर गधे को भी बाप बना लेते हैं, इस हाँ टाइप वो के तो लोग। थे, वो सही बात है, उन्होंने उस चीज को पूरा आखिरी मर्म से मान लिया, हाँ, काम पड़े तो गधे को भी बाप बोल दो, उन्होंने इसको कोई बात नहीं। चरितार्थ किया है। हम तो खाली पढ़ चरितार्थ के रह करते हैं, जाते, जी जी इन्होंने उसको बिल्कुल चरितार्थ चरितार्थ, किया है। हाँ बिल्कुल चरितार्थ। हदीस साहित्य में निहित अपने बच्चों के प्रति मोहम्मद के रवैये और व्यवहार को मुसलमान द्वारा अनुकरण या उदाहरण के रूप में देखा जाता है, वही तो मैं बोल रहा है भाई, एक ही लड़की पैदा करो और बाकी सब ये बदमाशी छोड़ो, शादी कितने भी करो एक ही लड़की पैदा करो और उसको भी बचपन में मार दो, कहानी खत्म करो बस। अब यहां से शुरू करते हैं, खदीजा जी से। जी जी खदीजा का जन्म, ये खदीजा तो उसकी बीवी था ना। हाँ, वहीं से बताऊंगी अच्छा सारा आपको कुछ। अच्छा जी मैं जी ना जी अलग अलग सोर्स से लेती हूँ ना इन्फॉर्मेशन, फिर मैं हाँ उनको हाँ हाँ ना कंबाइन ठीक करती है। हूँ, पर कंबाइन करने का टाइम नहीं मिला था। जी 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 तो इनको तो मैं इज्जत से बोलूंगा, खदीजा जी का जन्म 568 के आसपास हुई थी। खदीजा जी का अर्थ जो समय से पहले, वो सचमुच समय से पहले थी, और उनका जन्म का परिस्थिति का सुझाव भी देता था। उनके 6 खुद भाई बहन थे, रुकैया, जाकिर हिजाम, जबकि नोन अदिया, नोन ये भाई बहन थे। तो अपने के अच्छा 6 जात भाई बहन थे, नो फिर कहाँ से आ गए। नहीं, 6 जो नोन थे। अच्छा नोन थे, अच्छा अच्छा ज्ञात भाई बहन थे, रुकैया, हिजाम, अदिया, आदित्य कर देता, अल्ला बम अला और नौफाल। हाँ, ये लोग 6 भाई बहन थे, हाँ उसके हाँ 6 हाँ भाई बहन थे। जी 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 यही नौफल ने तो फितूर डाला, हाँ, यही नौफल सबसे बदमाश है, इसी ने ही फितूर डाला कि नौफल, ये तो बोल अब दो, क्या हाँ करते, बोल दो तू मोहम्मद नबी है, नशे में पड़ गया था हाँ बोल दो ये मोहम्मद, नबी है। अभी काम तो करता नहीं था ये, शादी के बाद ही हाँ पूरा हाँ ऐसे ही बैठा वही रहता वही था, खाना लेके जी पहुंच जी जाता था जी खो में। हाँ तो फिर हाँ उससे काम निकालने की उन्होंने सोचा, जी चलो राजनीतिक फायदा ही हो जाए। हाँ उनको थोड़ी पता था ये उल्टा पड़ेगा, उनके उन्हीं के ऊपर ही उल्टा पड़ जाएगा। हाँ उल्टा पड़ गया, काम दाम छोड़ के बैठ गया वो हाँ, अभी तो ये उन्होंने है नौकर जब जी। था ना, तब उसने अच्छा प्रॉफिट कमा के दिया था, चलिए लेकिन जब शादी कर लोगे तुम नौकर से, तो फिर थोड़ी वो काम करेगा। हाँ बात तो सही है। मैंने पहले ना एक बार किसी से बोला, अगर ये लोग तो कोई क्लीनर से शादी कर लेंगे तो घर बड़ा साफ रहेगा, तो मुझे किसी जी ने जी कहा जो जी क्लीनर अपना घर कभी नहीं साफ रखते। जी 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 मैडम मैं सोच रहा था खदीजा और सांप्रतिक इस्लाम में लेडी, मतलब अभी उनका जो स्टेटस है उसके ऊपर एक मतलब बनाइए, वो बढ़िया रहेगा कि उस टाइम में उनका क्या इज्जत था प्री इस्लामिक खदीजा के टाइम हाँ, में मैं उसका और बनाऊंगी। अभी। हाँ चलिए, इसको खत्म करके फिर हाँ चर्चा चलिए करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है।
खदीजा और उनके पहले पति, खदीजा का उम्र 12 या 13 साल में से अधिक नहीं रहा होगी जब वो मखजूम कबीले की एक कनिष्ठ सदस्य अधिक उम्र अभी की दुल्हन बन गई। वो वहां गर्मी पड़ता है ना, इसलिए जल्दी उनको आ, आ, ये आ जाता है, एडल्ट बन नहीं जाते हैं वो वो। मैंने उसका भी रिसर्च करा है इंदिरा जी, जी ये इस बात में थोड़ा सा सच है कि यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज है जहाँ बर्फ ज्यादा पड़ती है वहां लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन देर में आता है थोड़ा सा, वो तो इंडिया में बस भी जल्दी हो खाली जाता है। पता है कितना फर्क है, 6 मंथ जी से ज्यादा का नहीं है मैक्सिमम। हाँ, वही उसी टाइप का होगा, उसी टाइप का होगा। तो उनसे अबित से अतिक अतिक बेटा अबित की दुल्हन बन गया। वो बिल्कुल उसी तरह लोग थे जो खदीजा के व्यापारिक कौशल से प्रभावित थे, क्योंकि वे बड़े हो चुके थे, व्यापार में धनी थे, और उनकी उदारता ने उन्हें अपने पड़ोसियों की वफादारी दिला दी थी। वे अब शहर की नेतृत्व के लिए गंभीर दावेदार थे, इसीलिए ये मैच खदीजा के लिए सामाजिक पैमाने पर एक कदम था। असाधित होने का कलंक को मिटाने के लिए ये वास्तविक एक मौका था। हाँ अभी मैं बताती हूँ आपको हाँ, इसका मतलब उनका क्या तो है। एक्चुअली थोड़ा में नीचे होगा। खदीजा जिस जी फैमिली को बिलोंग करती थी उसमें बहुत सारे हस्बैंड रखने का रिवाज था, तो इसलिए उसकी फैमिली जो थी ना ज्यादा मतलब उसको अच्छा नहीं समझते थे। खदीजा जिस जी जी फैमिली से आती थी एक्चुअली में तो पैसे के वाइज नहीं कैरेक्टर वाइज मतलब इतना अच्छा नहीं समझा जाता था। तो अब चूंकि इसने इतने अच्छे एक आदमी से शादी कर ली अतीक इब्न आबिद की, कि अब वो उसका कलंक असदित ये एक कबीला की जनजाति है ये इतनी अच्छी मतलब ऊंची जाति नहीं मानी जाती थी, तो अब उसका कलंक भी मिट गया क्योंकि इसने जब इसकी अतीक जो था ये बहुत हाई फैमिली को बिलोंग करता था, इससे शादी करने के बाद ये जो इसका जिस कबीले से इसकी माँ आती थी, खदीजा का फादर नहीं खदीजा की जो माँ थी वो ऐसे कबीले से आती थी जो ज्यादा ऊंचा नहीं था सोशल स्टेटस में, तो उसका वो कलंक भी मिट गया अतीक से शादी करने के बाद, वो फिर से बहुत ऊंचे स्टेटस पे पहुंच गई थी। जी। तो हाँ, वो नेक्स्ट आए। जी पढ़िए इंदिरा जी। हाँ, पहले पति से बच्चे। खदीजा और अतीक ने संभवतः पारिवारिक व्यवसाय का काम किया, और शायद उन्होंने अपना खुद का उद्यम भी शुरू किया। दंपति के 2 बच्चे थे। उनके बेटी हिंद पहली संतान रही होगी। उसके बाद खदीजा का तकनीक नाम उम्म हिंद से जाना जाता था, मतलब वो मतलब हिंद मदर की ऑफ माता, हिंद। हिंद की माता। हाँ, बाद में उनका एक बेटा अब्दुल मुत्तलिब हुआ जो बचपन में ही मर गया। आमतौर पर एक तकनीक नाम पहले बेटे से लिया गया था, लेकिन खदीजा को उम हिंद के नाम से जाना जाता रहा। तो एक जी बेटा था और एक बेटी हुई अतीक जी से, जी पर वो जो बेटा था वो मर गया, बेटी उम्म हिंद ये बेटी जिंदा रही। नेक्स्ट। जी इसके बाद जो है वो उसको दूसरा हस्बैंड मिला। फर्स्ट वाला मर गया, दिख रहा है आपको? मैडम 1 मिनट, ना ना बोलने नहीं। खदीजा और उसका दूसरा पति खुद के पैसे वाली एक मेट्रन के रूप में खदीजा के पास कुछ विकल्प होते कि वह पुनर्विवाह करेगी या नहीं और किससे करेगी, तो संभवतः यह एक खुशी की घटना थी जब उसके पिता को उसके लिए दूसरा पति मिल गया, शायद उसके 20 वर्ष की होने से पहले। तो खदीजा की पहली शादी हुई थी 12 या 13 वर्ष में और उससे उसकी एक बेटी और बेटा था, बेटा मर गया बेटी थी,
और फिर उसकी दूसरी शादी 20 वर्ष की आयु में हुई और फादर ने ढूंढ के दिया रिश्ता, और वो अबू हला इब्न अल नब्बाश था, जो एक शक्तिशाली तमीम प्रमुख का पोता था, यानी एक बहुत बड़ा वहां पर जो है कबीला था, उसके जो चीफ था उसका बेटा था हला, अबू हला। तो ये हला जो था ये बहुत हाई स्टेटस का था, क्योंकि ये चीफ का बेटा था और ये बहुत अच्छा मैच था खदीजा के लिए। फिर उस दूसरे पति से बच्चे क्या हुए कि इस शादी से 3 बच्चे पैदा हुए, जिससे पता चलता है कि ये शादी 4 से 6 साल के बीच चली। उनका पहला बेटा हला था, जिससे अबू हला ने अपना उपनाम लिया, क्योंकि उसका दूसरा बेटा का नाम भी भ्रमित करने वाला था, जिसका नाम हिंद था, और उनकी बेटी जैनब की बचपन में ही मृत्यु हो गई। तो एक बेटा और बेटी जो थे बच गए और एक बेटी की डेथ हो गई। तो 3 बच्चे थे उसके दूसरे पति से, जिसमें बेटी की डेथ हो गई। तो एक बेटा बेटी थे, नहीं एक बेटा बेटी नहीं थे, सॉरी 2 बेटे थे और बेटी मर गई। तो इसका नाम हिंद था, जबकि हिंद नाम जो था वो इसके पहले वाले उसका नाम भी हिंद था। तो यहां पर बेटी का नाम हिंद था और फिर इसके बाद इसने अपने बेटे का नाम हिंद रखा, जो दूसरे हस्बैंड का बेटा था उसका नाम भी हिंद था। फिर एक गोद लिया हुआ दास पुत्र भी था, उन्होंने जायद नाम का एक बाल दास भी हासिल कर लिया। जायद इब्न हरीथ का जन्म 581 के आसपास कल्ब जनजाति के उजरा कबीले में हुआ था, और कम उम्र में दास व्यापारियों द्वारा उनका अपहरण कर लिया गया था। यानी ये बच्चा जो था जायद, ये बेचारा छोटा बच्चा था, इसको किसी ने किडनैप कर लिया था। ये कल्ब जनजाति के उजरा कबीले में पैदा हुआ था, लेकिन इसको कुछ व्यापारियों ने किडनैप कर लिया और उसको उकाज व्यापार के मेले में बिक्री के लिए रखा गया था, जहां खदीजा के भतीजे हकीम ने उसे 400 दिरहम यानी कि 4,000 पाउंड्स में खरीद लिया, खदीजा के भतीजे ने, हकीम ने। और फिर हकीम ने वो जो लड़का है जायद उसको खदीजा को तोहफे में दे दिया। तो ऐसा नहीं था कि मोहम्मद ने उसको अडॉप्ट कर लिया, मतलब मोहम्मद ने बड़ा जाके उसको सेव करा था स्लेव वाले उससे, बल्कि ये कई लोग जो ऐसा बोलते हैं ना कि मोहम्मद ने जाके बेचारे एक बेट दास को गोद ले लिया, मोहम्मद ने नहीं किया था ये, तो हकीम ने उसको वहां से खरीदा था पैसों देकर और खदीजा को गिफ्ट करा था। अब जो है खदीजा और मोहम्मद की शादी हुई, तो खदीजा शादी में 3 सौतेले बच्चे को लेकर आई। आपको याद होगा कि पहले हस्बैंड से उसकी एक बेटी थी हिंद जो जीवित थी, और दूसरे हस्बैंड से उसके 2 बेटे थे, हिंद और एक और था, क्या नाम था उसका मैं भूल गई, हला। तो यह आश्चर्यजनक है कि उनके बारे में कितना कम जाना जाता है, यानी कि इसके बेटों के बारे में कोई भी बात नहीं करता, खदीजा के जो बच्चे दूसरे हस्बैंड्स के साथ थे। अब हिंद बिंत अतीक यानी अतीक की बेटी हिंद, यह संभव है कि मोहम्मद अपनी सौतेली बेटी हिंद के साथ लंबे समय तक जीवित नहीं रहे, यदि जीवित भी रहे। जब मोहम्मद ने खदीजा से शादी की तब वो लगभग 12 वर्ष की रही होगी, इसलिए नहीं ये गलत लिख दिया है, इसलिए यह पूरी संभावना है कि उसकी अपनी शादी पहले ही तय हो चुकी थी। हाँ मतलब वो 12 वर्ष की थी, सॉरी मैं सोच रही हूँ खदीजा की उम्र लिखी है, नहीं ये उसकी लिखी है हिंद की। तो उसकी अपनी शादी पहले ही तय हो चुकी थी, चतुर खदीजा ने शायद पहले ही समझ लिया होगा कि छोटी महिला को उसके घर से बाहर ले जाना बुद्धिमानी होगी, क्योंकि मोहम्मद जो है, जैसे अगर ये इनके यहाँ तो इस्लाम में ये भी है ना वैसे, कि उस टाइम पे मतलब कि हस्बैंड आए तो हस्बैंड उसके पहले वाली जो हस्बैंड के बेटी है उस पर कहीं गलत निगाह ना डाले, तो उसकी शादी उसने कर दी, ये संभव हो सकता है, क्योंकि उनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं, खदीजा के जो 3 बच्चे थे उनके बारे में। तो हो सकता है हिंद की शादी कर दी हो तब तक, क्योंकि वो 12 इयर्स की थी। हला और हिंद जो थे वो अबू हला के 2 बेटे थे,
और खदीजा के दोनों बेटे कई वर्षों तक मोहम्मद के साथ रहे, और यह जात है कि उन्हें बच्चों के साथ खेलना पसंद था मोहम्मद को। एक बार तो मोहम्मद आया कमरे में, बोला हला 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 ऐसे करके बोल रहा था। तो मोहम्मद के पुत्र, अगले 10 वर्षों में खदीजा ने मोहम्मद के 6 और बच्चों को जन्म दिया, ऐसा लिखा है। पर वो 6 बच्चे नहीं थे, शिया सोर्स बताते हैं कि उसकी जो बहन थी खदीजा की, उसकी डेथ हो गई थी हाला की, और उसके बच्चे थे जो कि इसने, 3 बेटियां थी, उसको इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। और इसके जो बच्चे हुए थे, खदीजा ने मोहम्मद के 3 बच्चों को जन्म दिया है, 2 बेटे और 1 बेटी। 2 बेटे मर गए और 1 बेटी फातिमा, दैट्स इट। प्रत्येक जन्म में सलमा नाम की दाई ने उनकी देखभाल की। अपने पहले बेटे कासिम से मोहम्मद ने अपना उपनाम अबू कासिम लिया। उसके बाद जैनब, अब्दुल्ला, रुकैया, उम्म कुलथुम और फातिमा आए। आमतौर पर खदीजा अपने क्षेत्र की माँ के रूप में वेट नर्सेस को काम पर रखती थी, लेकिन वह फातिमा की देखभाल खुद करती थी। कासिम क्यों करती थी खुद देखभाल? क्योंकि फातिमा ही मोहम्मद की बेटी थी और कोई नहीं, और 2 बेटे तो मर गए, और बाकी जो 3 बेटियां हैं वो तो उसकी बहन हाला की हैं। कासिम जब तक चलने में सक्षम नहीं हुआ जीवित रहा, और 17 महीने की उम्र में दूध छुड़ाने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। और अब्दुल्ला की मृत्यु जब वह अभी भी छोटा था, शायद 1 सप्ताह से अधिक की उम्र नहीं हुई। तो जो 2 बेटे थे कासिम और अब्दुल्ला, उनकी मृत्यु हो गई, और फातिमा जो थी वो एक मोहम्मद की शक्ल की बस वही बेटी जीवित रही। तो एक बेटी थी उसकी, बस यही है रेफरेंसेस। और तो अब आपको पता चल गया कि एक ही बेटी है और 2 बेटे मर गए, 3 ही बच्चे थे मोहम्मद के, 2 बेटे 1 बेटी, 2 बेटे मर गए बचपन में। बस तो कासिम, जैनब, रुकैया, उम्म कुलथुम, नहीं सॉरी, कासिम और अब्दुल्ला ये मर गए दोनों, और फातिमा जीवित रही, बस 3 बच्चे में से एक थी। और जैनब, रुकैया, उम्म कुलथुम ये तीनों हाला के बच्चे थे, और इब्राहिम जो था वो मारिया किप्तिया का अपने लवर के साथ था। अरे ये पूरी स्क्रीन पे नहीं आ रहा था, सॉरी, ये हाईलाइट ना करा करिए इंदिरा जी, जब मैं ये स्क्रीन ये दिखा रही हूं ना प्रेजेंटेशन, तब इसको हाईलाइट ना करा करिए कोई भी कमेंट को, फिर वो स्क्रीन ब्लॉक हो जाता है। मैं दोबारा से दिखा देती हूँ वाला स्लाइड। तो ये पहले दूसरे पति से जायद, और हाँ, तो मैं ये वाली स्लाइड थी कि उसने 3 बच्चों को जन्म दिया था, और ये जो पहली वाली स्लाइड थी इसी से बता देती हूँ कि बस फातिमा थी और 2 बेटे मर गए, यही आंसर है इसका। जैनब, रुकैया, कुलथुम हालांकि बच्चियां थी गोद ली हुई, और इब्राहिम मारिया किप्तिया का उसके लवर के साथ था। इसके बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो मोहम्मद ने वहां पर कुछ खड़े होके बोला कि आप किसी को धो एडल्ट्री करते हैं, और वो तो उसको बड़ा गुस्सा आया था। इब्राहिम की मौत जब हुई तो वो ज्यादा नहीं उसमें वो उसने इन्वॉल्व हुआ, क्योंकि उसे पता था कि ये मारिया किप्तिया का उसके लवर के साथ का बच्चा है। इतना ही था, अब मैं एक जो है इनवाइट दे देती हूँ, तो लोग आके डिस्कशन कर सकते हैं, मैंने उसे पिन कमेंट में डाल देती हूँ। जी बोलिए इंदिरा जी। बीके ऐसे हैं, अभी बीके ऐसे हैं, महीचंद जी हैं, वो आए डिस्कस करें, दिनेश चंद शर्मा जी भी हैं और ईशान जी भी हैं, वे भी हेलो जेंस, वो भी हैं, और बिनी जी हैं, बिनी जी कभी आते नहीं, वो कभी आए अच्छा है। आर भी हैं, विपिन जी मैंने वाजपेयी हैं, पिन कमेंट में डाल दिया है, तो आप लोग हाँ ज्वाइन कर जी जी सकते हाँ, वो लोग स्टार स्टार भी हैं, वो सब आए बात करें, अपना अपना व्यू दें।
जी, और लाइक शेयर कर दीजिए चैनल को प्लीज। आपके लाइक करने से ही यूट्यूब रिकमेंड करेगा, क्योंकि आप तो नहीं चाहते ना चैनल बंद हो जाए। जी चिराग जी, आपका चिराग जी, स्वागत है। चिराग जी आए हैं। मैम मुझे 2 मिनट का समय दे, मैं स्ट्रीम तो सुन रहा था हाँ बट अभी जस्ट निकला हूँ ऑफिस से। हाँ जी, हाँ आराम से आए, कोई बात नहीं। तो एक एक कमेंट हाईलाइट करके उसमें बात करते हैं, वो इंटरेस्टिंग कमेंट बहुत आया है तो। जय माँ काली सर्वेभ्य। और उन्होंने गिरीश त्यागी जी ने लिखा है सत्य सनातन, जय सत्य सनातन वैदिक धर्म। गिरीश त्यागी जी ने लिखा है वंदे मातरम, उन्होंने लिखा है हर हर महादेव, उन्होंने लिखा है जय श्री राम। और स्टार जी ने नमस्ते बोला है, अनमोल पीर ने बोला नमस्ते बोला है, नागा जी ने भी नमस्ते बोला है। और आज क्या ये किसको ब्लॉक करेगा लिखे पता नहीं है जो नेगेटिव स्टार। कमेंट्स हैं वो मत पढ़िए। नहीं नहीं नेगेटिव कमेंट ने पता नहीं किसी को वो बोला है, किसी को बोला है गुस्से में, किसी को बोला है, वैसे कुछ नहीं। आज तेरे को ब्लॉक करूंगा, सामने होता तो कान के नीचे बजाता, पता नहीं क्या क्या पता वो। नहीं किसको बोल रहे हैं। चलो इसको डिलीट ये करते हैं, छोड़ते हैं। ये आर साहब लिखे हैं राम राम प्रीति जी, फेलो नीचे लिखे हैं सभी को राम राम, फेलो नीचे लिखे हैं प्रीति मैम राम राम हर हर महादेव। अच्छा इन्होंने मुझे भी लिखा है। और बंगाल की हाल तो बुरा है, बिल्कुल सही बात है आर जी, हमें उसकी बहुत चिंता है। और अब न्यूज मैडम देखेंगे आज का न्यूज है, 2 लेडी ने कंप्लेन किए हैं कि 7 लोगों ने मिलके उनके हस्बैंड को, क्योंकि वो ऐसा पार्टी से थे जो पार्टी हार गया, वो ये नहीं बोले हैं कांग्रेस से थे, कम्युनिस्ट से थे या और किसी पार्टी से थे, तो उनको 7 लोगों ने हार गए इसलिए उनको पकड़ के किडनैप कर लिए और उनका धर्म परिवर्तन कर दिया। बताओ। और बोलते हैं हाथ से बनाऊंगा गया, हाथ से बनाई गई गया। अच्छा ये पता नहीं। विनी जी बोल रही है, साहिल के वीडियोस तो आ रहे हैं, तो वो कैसा हाँ हाँ डिजाइन हाँ है? तो विनी जी, हाँ आप कौन से कंट्री में है ना? क्या आप इंडिया में हैं? अच्छा क्योंकि फॉलो बाकी नहीं देशों किया। में बैन नहीं है, मेरे तो कुछ तो साहब दिख रहे हैं, क्योंकि मैं तो कनाडा में हूं, तो मुझे यहाँ से तो दिख रहे हैं। तो आप अगर इंडिया में हैं तब बताइए कि दिख रहे हैं कि नहीं। मैं चेक करके देखता हूँ अच्छा अभी। इंडिया में भी अगर कोई यूजर होंगे ना तो बैकलिंक के थ्रू उनके वीडियोस दिख जाएंगे उनको। एक्चुअली यूट्यूब के डेटाबेस से उनका डेटा डिलीट नहीं हुआ है, सिर्फ इंडिया में बैन हुए हैं। तो अगर कोई उनको बैकलिंक मिल जाए किसी और कंट्री के थ्रू, कोई देख रहा है और वहां से बैकलिंक शेयर कर दे तो उनके वीडियो दिख जाएंगे उनको फिर भी। विनी जी कह रहे हैं डोंट वरी, दीज आर जस्ट पब्लिसिटी स्टंट, जस्ट सी हाउ मच पीपल स्टार्ट डोनेटिंग हिम सुपर चैट्स एक्सेट्रा। जब इनकम कम होती है तो दे डू सम पब्लिसिटी स्टंट एंड इमोशनल हिंदू स्टार्ट पोरिंग मनी। हो सकता है, मालूम नहीं। जी बोलिए चिराग जी, अब आप फ्री हैं तो। जी मुझे एक्चुअली क्या एक क्वेश्चन बहुत अच्छा अराइज हुआ। खदीजा की एक बेटी और एक बेटे का नाम हिंद था, हाँ तो मतलब हिंद रखने का कोई स्पेसिफिक रीजन या कोई साउथ एशिया का कोई इन्फ्लुएंस था उस एरिया में या क्या रीजन था, इसका कोई मीनिंग होता है क्या अरेबिक में, ये एक थोड़ा सा देखने वाला पॉइंट है। तमजीद सहर हुसैन लिख रहे हैं डिसरिस्पेक्टफुल अबाउट समवंस बिलीव कांट हेल्प। तो आपको क्यों लग रहा है कि ये डिसरिस्पेक्टफुल है? वी आर जस्ट स्टेटिंग ऑथेंटिक सोर्सेस से इंफॉर्मेशन। डज इट सीम डिसरिस्पेक्टफुल टू यू? मतलब कि क्या उनकी जिंदगी डिसरिस्पेक्टफुल तो आप कह रहे हो ना? हमने तो कुछ भी नहीं बताया, हमने तो बताया कितने बच्चे थे उनके, हमने कौन सी डिसरिस्पेक्ट करी है?
प्लीज आप ऊपर पैनल पे आके बताएं। अच्छा, ये आपने अच्छा बोला कि हिंद नाम जो था वो अरेबिक में, उसका मतलब देखेंगे। हिंद जो था वो एक फेमस अरेबिक नेम होता था विमेन के लिए, और एंशियंट जो है सिविलाइजेशन में अरब में भी यूज होता था और इंडिया में भी यूज होता था। बट उसका मीनिंग अगर अरब में यूज होता था तो कुछ तो मीनिंग होगा। हाँ, उसका मीनिंग होता था ग्रुप ऑफ कैमल्स अरबिक में। बेड़ा अगर हर चीज में उल्टे ही चलते हैं। मैडम नहीं, एक्चुअली हिंद का मतलब इंडिया भी है, और वो इंडिया को में वहाँ बहुत इज्जत से देखा जाता था। बोल रही हूँ मैं अरबिक, नहीं का वो तो ठीक बता है, नहीं नहीं लेकिन लेकिन इंडिया को वहाँ बहुत इज्जत से बोला जाता था, सिंध को हिंद कहते थे, और कई नाम जो हैं वो उनके हिंद पे है, और हिंद का तलवार, हिंद का तीर को भी बड़ा इज्जत से देखा जाता था। और जो अभी डामास्का स्टील है, डामास्का स्टील इंडिया में बना था और फिर बाद में यूरोप को डामास्का के रूट में गया, तो उसका नाम पड़ गया डामास्का स्टील, अदरवाइज ये इंडिया का ही प्रोडक्ट है। तो जितना भी लड़ाई हुआ था उसमें इंडिया का हथियार बहुत यूज हुए हैं, और इंडिया का फ्रूट या जो भी सामान था, कपड़े फपड़े, वो सब भी बहुत इज्जत से देखा जाता था, और उसका कीमती भी था, तो इसीलिए उनका लालच भी इंडिया के प्रति था। और हर जगह पे देखो इंडिया के प्रति वो लिखा हुआ है, हर जगह पे देखेंगे, और अच्छा भी लिखा हुआ है, जो इंडिया भी जो लिखा है। था ना हाँ वो बड़ा ग्रीन था, बहुत हाँ हाँ ग्रीन, और यहाँ पर सब चीजें उपजाऊ हाँ थी, और बहुत अच्छा लोग यज्ञ वगैरह करते थे ना, तो भूमि बहुत उपजाऊ, और रेन वाटर साइकिल और सब कुछ अच्छा चलता था यहाँ पर, बहुत ग्रीनरी थी। मैडम, ये भी कहा जाता है जो यहूदी थे वो भारत से ही निकले थे और कहीं जा रहे थे, उनको रास्ते में बेबीलोन का राजा ने किडनैप करके उनको बंदी कर दिया, तो उनमें से कुछ लोग निकल गए, भाग गए, तो भागने के वो गलती से इंडिया ना आके दूसरे रास्ते चले गए, दूसरा रास्ता जाके उन्होंने जेरूसलम में अपना राज्य बनाया। ये उनका लिखा है कि इंडिया का नाम नहीं लिखा है, लेकिन ऐसा जगह जहाँ फॉरेस्ट है, वाटरफॉल है, बहुत अच्छा बारिश होता है, उपजाऊ जमीन है, तो आप समझ जाए कोई भी जगह हो सकता है, इंडिया ही है ऐसा जगह, और कोई नहीं है, नहीं, कहीं भी ऐसा ऐसा तीन मिलेगा जगह नहीं। हो सकती है, हाँ या तो इंडिया हो सकता है, या जो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और मतलब अफ्रीका का मिडिल ईस्ट मिडिल सर्कल हो सकता है, या तो फिर लैटिन अमेरिका का जो फॉरेस्ट रीजन है। ये तीन ही हाँ जगह हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी है पेंजिया लैंड जी के जी अपार्ट होने के बाद में। हालांकि ये भी एविडेंस है कि आर्कियोलॉजी के हिसाब से सबसे पहले लाइफ जो आई थी वो इंडिया में ही आई थी, इन तीनों रीजन में। जी 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 मतलब लाइफ मतलब इन द सेंस जो ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है वो सबसे पहले इंडिया में ही हुआ था, इन तीनों रीजन जी में। हाँ हाँ नहीं, यहाँ भी बोलते हैं अफ्रीका में भी ह्यूमन लाइफ बहुत पुराना है, वो भी कहा जाता है। अपन बेसिकली जी एंसिस्टर उन्हीं के हैं, इंसेस्टर पेंजिया जी लैंड से, अफ्रीका से ही हाँ सब हाँ निकले हाँ हैं जी हाँ होमोसेपियंस हाँ से। जी बट अफ्रीका में आज भी ट्राइबल वो होमोसेपियंस के सबसे नेटिव लोग ही आज भी वो डेवलप नहीं हो पाए जी थे। कल्चर हाँ सिविलाइजेशन इंडिया में ही सबसे पहले डेवलप हुआ था। सबसे पहले वो तो है ही। आपको पता जो शब्द नमाज आया है, ये भी तो इंडिया में जो नमः और यजह, यज्ञ जो यज्ञ करते थे, और जो नमः और यज्ञ का ज और नमः का नमः, तो नमाज बन गया। मतलब जब नमः करते थे तो हम बाव करके करते थे ना, तो बाव करना और यज्ञ करना मतलब वर्शिप करना। मैम, ऐसे बहुत से क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहे हैं। मतलब मुझे कहीं ना कहीं एक सिंक्रोनाइजेशन दिख रहा है, एक दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस था इंडिया का, जिससे धीरे 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 चीजें मतलब चेंज होती गई लैंग्वेज के कारण, और फिर कुछ प्रॉब्लम्स दिखी और फिर उनने अपने हिसाब से नरेट कर दी चीज़ों को। जैसे ये एक पॉइंट मेरे सबसे ज़्यादा माइंड में स्ट्राइक हुआ, मैं इस पर रिसर्च करूंगा कि हिंद नाम क्यों था, कुछ स्पेसिफिक रीजन था क्या, कुछ इन्फ्लुएंस था क्या इस एरिया का, हो भी सकता है बता कुछ दूँ, हो। अरबिक में इसका मतलब होता था ग्रुप ऑफ कैमल्स।
बट पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कोई और भी मीनिंग हो इसका जो इंडिया से कुछ टच रखता हो। और दूसरा एक बात, जो आप जुइश वाली बोल रहे थे, तो जो ये जो हमारा अनाहत चक्र है हमारा, हमारी ह्यूमन बॉडी में, तो वो बिल्कुल वही है अंदर चक्र का, जो जो जुइश लोग यूज करते हैं वो वही है जो अनाहत चक्र है, जी। हाँ, कूर्द जो भी जो कहते हैं। जो 8 पॉइंटेड स्टार है वो जी एक्चुअली में जी जी अनाहत चक्र का सिंबल सिक्स है। पॉइंट हाँ 8 पॉइंट एंड 6 पॉइंट स्टार्स तो हैं। अच्छा, जो जीव ये हैं, कूर्द भी हैं। हाँ, 6 पॉइंट कूर्द भी स्टार। इंडिया से गए थे, हाँ, वो अपना कल्चर में वो लिखा जाता है उनका कि इंडिया से ही गए थे और वहां वो सेटल हो गए थे। और इसीलिए जो पिकक है, पिकक उनके लिए बहुत पवित्र है। और उनका जो देवता है वो लगभग कार्तिकेय जैसा है, वो पिकअप के ऊपर सवारी करते हैं, कुछ मल्लक करके कहते हैं उनको। अच्छा, कोई आए हैं, मैं देखता हूँ कौन है। मैं ही आई हूं, मैं ड्रॉप हो गई थी, नहीं, मैं निकल गई थी गलती से, मैंने हाँ निकल कहीं गए एक्चुअली। कर दिया हाँ, था। वो गलती से, वो फिर आ जाएंगे, कोई नहीं। नहीं, आ गई हूं मैं। महिचन, हाँ मई, अच्छा, आप निकल गए थे। अच्छा, मैं सोचा महिचन जी आ गए। नहीं, आज कोई नहीं। महिचन जी, बीके जी, कोई भी नहीं आज। हाँ नहीं, वो है नीचे हैं, वो शायद वो मतलब बाहर होंगे आपको एक इसलिए बड़ी ज्वाइन बात नहीं कर रहे, बताऊं, बुद्ध बुद्ध रक्त भी में दो होंगे। हैं, हाँ ये जो बुद्ध, जो ये जय भीम वाले बुद्ध हैं, ये अलग हैं, और हमारे जो दशावतार में जो हाँ हमारे 10वें विष्णु जी के अवतार थे बुद्ध, वो अलग हैं। ये दो तरह के बुद्ध हैं, ये लोगों को मैम, नहीं पता ये बुद्ध सिद्धार्थ वाले बुद्ध बुद्ध नहीं क्यों है? नहीं, जो जो वो गौतम या सिद्धार्थ जो बुद्ध थे वो लुम्बिनी में पैदा हुए थे राजकुमार, और अब वो नेपाल में हैं। और ये जो हमारे अवतार थे लॉर्ड विष्णु के, वो अलग थे, वो उनकी माँ अंजना थी। अब वो वहां थे बौद्ध गया में, और उनको रावण ने भी उनका मेंशन किया है, वो अलग है। और ये जो दूसरे बुद्धा हैं, ये एनलाइटनमेंट को प्राप्त हुए थे, मेडिटेट करते थे बौद्ध गया में जाकर, अवतार बुद्धा की बर्थ प्लेस पर जाकर मेडिटेट करते थे। ये दूसरे सिद्धार्थ जो गौतम था, अब खैर, इस पे तो मैं यही बोलूंगा, मैंने B.R. अंबेडकर की जी की बुक पढ़ी थी। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, बट लाइफ में उनने सबसे बड़ी गलती एक ही करी थी, जो कन्वर्जन करा था। इसको वो रह के भी रिफॉर्म कर सकते थे, क्योंकि इतनी पावर थी उनके पास में, बट पता नहीं क्यों उनने ये डिसीजन क्यों लिया था। और उसका आज बेस इफेक्ट दिख ही रहा है, मतलब बहुत से ऐसे अजीब से लोग निकल रहे हैं, रावण वगैरह, किस किस नाम के, जिनको पता कुछ नहीं। उनने 26 बुकें लिखी है, उनने पता भी नहीं होगा कि 26 बुकों में क्या लिखा है, बट आके बस देते हैं अपना दिमाग और लोग उसको फॉलो भी करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और माइट बी पॉसिबल, अगर आफ्टर लाइफ कुछ होता होगा तो उनको आज उस पे होता होगा कि मैंने ये एक ही गलती करी थी लाइफ में। वो तो है, वो डेथ के टाइम में ही उन्होंने कन्वर्सन किया था, उसके पहले नहीं किए थे। ऑलमोस्ट बहुत एज हो गया था, उसी टाइम में किए थे, लेकिन आप बोल रहे हो ना एनीवे कि वो अरब में, दैट वाज नॉट सॉरी, एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। वो उनको यहीं रह के करना चाहिए था, लेकिन वो कुछ, क्योंकि उस टाइम में देखे, बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा इज्जत के दृष्टि से देखा जाता था, एक अननेसरी इज्जत जो कहते हैं, हाइपर हाइप किया गया था, तो उसी को पढ़ पढ़ के उन्होंने वो कर दिए होंगे। जी ये जी ये बोलिए। देखिए, ये एक लेडी है प्री इस्लामिक अरेबिया की, ये बहुत पुरानी पिक्चर है, इसमें इसने वैष्णव का यू का तिलक लगाया हुआ है, और ये अरब की है, और ये वेल में है, और इसने एक विष्णु का तिलक भी लगाया हुआ है। ये इस लेडी की, लेडी ऑफ द शेख, द फोटो अबव शोज एन अरब शेख्स वाइफ इन गोशा यानी वेल, हैविंग अ यू शेप्ड वर्मिलियन मार्क ऑन हर फोरहेड। सच मार्क्स वर फाउंड इन ऑल पिक्चर्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन बुशमैन, इजिप्शियन रूलर, पिरामिड आर्किटेक्ट्स एक्सेट्रा।
These U-shaped Vaishnav marks can be found among staunch followers of Vishnu or his avatars like Ramakrishna even today in India. अच्छा, इस पे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है. आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से मेसोपोटामिया में इंडिया के कुछ कॉइन्स भी मिले हैं प्री हिस्टोरिक टाइम के, और दूसरा इजिप्ट में भी मिले हैं, जब उनकी जो सिविलाइजेशन थी उसके टाइम के मिले हैं. तो इसका मतलब यह था कि कहीं ना कहीं इंडियन सिविलाइजेशन का इन्फ्लुएंस वहां पे पहले से था और इनके बीच में ट्रेड होते थे. तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर पूरा एक आर्टिकल अलग से लिखा है कि पहले से इंडिया का सिविलाइजेशन का एक डोमिनेशन वहां पे था और वो लोग इंडियन प्रोसीजर्स को ही फॉलो करते थे, बट एक डिफरेंट फॉर्म में करते थे. जी, मैं एक बात बताऊं कि ये जो है ना, क्या बोलने जा रही थी, जो काबा में जो प्लेट लगी है विक्रमादित्य की, वो भी तो शिवलिंग है जो ये चूमते हैं जाकर, वो शिवलिंग ही तो है. वहां पर विक्रमादित्य की शिलालेख प्राचीन मिली हुई है. मैम, इसका तो आइडिया नहीं है मुझे, बताएं इसके बारे में कुछ, बताएं आप. एक स्ट्रीम है मैडम का इस बारे में, पूरा फुल स्ट्रीम किए हैं, और लेकिन आपको और भी मैडम बता सकते हैं उसमें बिल्कुल. तो अभी भी वो से जो शिलालेख है अभी भी अवेलेबल है, और एक बड़ा सा मूर्ति था उसको उन्होंने ढक दिया है, उसको तोड़ नहीं पाए तो उसको कवर कर दिया चारों तरफ से, वो भी है वहाँ. वहां पर एक सयारुल ओकुल ये शब्द लिखे हुए, उन ये जो है, अभी मैं दिखाती हूँ, एक मिनट, मैं प्राइवेट चैट पे लिखती हूँ ये सब लिखा है. प्राइवेट चैट क्या, मैं वो आपको जो है मेरी प्रेजेंटेशन एक है इसके ऊपर, उसका एक दो स्लाइड दिखाऊंगी आपको, उसमें दिया हुआ है. मैंने ये ऑलरेडी कवर करा हुआ है, जैसे इंदिरा जी ने बोला, इनको याद रहा मेरे सारे प्रेजेंटेशंस. अच्छा, किंग आर्थर जी बोल रहे हैं, 72 हुरी का मूवी जो है वो आ गई है, उसको जाके थिएटर में देखिए, वो बम्पर हिट हो रहा है, बहुत ही अच्छा हुआ है. उसमें दो लोग हैं जो टेररिस्ट बन के बम लगा के फट गए, बाद में वो फिर देखा आपने कि स्टोरी ना अरे बता दी है हाँ, जी, मैं बाद में ये देखा कि दिखा देती हूँ. ठीक है जी. ये वो है चिराग जी के लिए दिखा रही हूँ वैसे. ये है ना ब्लैक स्टोन ऑफ काबा, और ये है यहां से देखिए, अकॉर्डिंग टू ओक द टेक्स्ट ऑफ द एलिजेंट इंस्क्रिप्शन इज टेकन फ्रॉम पेज 315 ऑफ एन एंथोलॉजी ऑफ पोएट्री एंड टाइटल सयारो लोकुल मीनिंग द मेमोरेबल वर्ड्स कंपाइल्ड इन 1742 ऑन द ऑर्डर्स ऑफ सुल्तान सलीम. Mahmud I, Sultan Salim III lived from 1761 to 1808 from the earlier work of Prophet Muhammad ke uncle Amir bin Hisham, jinka poetic name tha Abu al-Hakam, meaning the father of wisdom, who had refused to convert to Islam. And first modern version published in 1864 in Berlin and subsequent edition was published in Beirut in 1932. तो ये पुरानी, ये जो मोहम्मद का चाचा जो इस्लाम में नहीं कन्वर्ट हुआ था ना, उसकी पोएट्री वहां लिखी हुई है. और एंथोलॉजी जो है वो अब मखताबे सुल्तानिया लाइब्रेरी में है रखी हुई.
और वहां पर विक्रमादित्य का इंस्क्रिप्शन मिले हैं, जिससे एक डिश में, काबा के अंदर एक डिश रखी हुई है, उसके अंदर विक्रमादित्य का इंस्क्रिप्शन मिला है। नाउ आई गॉट इट कि मोहम्मद बिन सलमान इतने रिफॉर्म क्यों कर रहे हैं। जी जी महीचंद जी आ गए, तो इनसे पहले बात कर लेते हैं, बोलिए। जय हिंदू राष्ट्र महीचंद जी। जय हिंदू राष्ट्र दीदी, सबको जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम, सबको प्रणाम। बस मैं थोड़ा सा ही आप लोगों से कुछ कहना चाहूंगा। बात यह है कि जब तक ये कल्ट सब मतलब गर्भ में भी नहीं था, ये जितने भी कल्ट है दुनिया में गर्भ में भी नहीं था, उस समय में आर्यन संस्कृति, आर्यन सभ्यता सातवें आसमान पे थी। सारे के सारे अनुसंधान, सारे के सारे योग नियोग जितने भी है, सब पहले से यहाँ भरा पड़ा था। ये शैतानों ने, पिशाचों ने, जो हमारे लाखों की तादाद में एक एक लाइब्रेरी में किताब जलाए हैं, सोचिए, कल्पना करिए, अगर वो सारे किताब हमारे पास आज होते तो सारी दुनिया हमारे पैरों के नीचे होती और हम इनके सर के ताज आज भी है और ताज कल भी रहेंगे। फर्क इतना है, कि तथाकथित ये सेकुलर और लिबरल जो आज के डेट में पॉलिटिक्स, मैं बार बार पॉलिटिक्स को इसलिए घुसाता हूं दीदी कि आज के डेट में देखिए, आदिकाल में हमारे धर्म से राजनीतिक चलती थी, धर्म से हमारा सारा संस्कृति चलती थी। आज के डेट में धर्म के ऊपर ये पापी तथा कथित सेकुलर लोग हावी हो चुके हैं, जो सनातन को, इन लोगों को सपना है कि हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। सनातन न तो कभी डिस्ट्रॉय हुआ था न होगा। इन लोगों को कथित जो दिमाग में भूसा भरा हुआ है, ये रोग से ग्रसित हैं। आज सबसे ज्यादा खोजेंगे तो लिबरल, कम्युनिस्ट, सेकुलर, ह्यूमनिस्ट, अपने आप को कहने वाले, मानव अधिकार के रूप में, मानव अधिकार का एक संगठन चला के, INGO, INGO ये जो चला रहा है लोग, ये टोटल भ्रष्ट करने के लिए, यहाँ पे सनातन पे धावा बोलने के लिए ये सारे संस्था लगी हुई है। तब के ईरान या इधर कहिए, आज जो भी खाड़ी जो मुल्क है, अफगानिस्तान से जितने सटे हुए, मामा शकुनी के गांव से जो सटे हुए, ये सारे आर्यवर्त ही है। इराक है, आर्यवर्त ही है, जहाँ पे माता सीता और भगवान श्री राम का भी मूर्ति मिला था। और इन लोगों के गर्भ में खोजा जाएगा तो हमारी संस्कृति की आज भी झलक, दमक, हमारी चमक वहां तक चमकती है दीदी। आज भी पैलेस्टाइन जैसे देशों में कम से कम मोहम्मद के पैदा होने से पहले के कवियों ने जो लिखा है कविता, ऊँटों के छाले पे, उस समय में कविता वो लोग भी लिखता था अरबी में। कविता यही चीज नहीं, लेकिन अरबी की विकास तो हो चुकी थी, मोहम्मद का विकास नहीं हुआ था। मोहम्मद गर्भ में भी नहीं था, तब वहां एक दूसरी संस्कृति फलती थी, फूलती थी, मैचन जी जिसको आपके हम पिंक में लोग, रेडियो जो बज रहा है ना, उसको बंद कर सकते हो आप? 1 मिनट, दूर से आ रहा है आवाज, दूर से आवाज आ रहा है वो। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो संस्कृति थी, एक सेकेंड में मैं देख रहा हूं, बंद करवा के। हाँ, तो मैं आ गया। बात ये हुआ कि आज भी पैलेस्टाइन के जो संग्रहालय है, म्यूजियम है,
उस म्यूजियम में ऐसे ऐसे कविता है जिसमें लिखा गया है कि अगर बांसुरी वाले की धरती पे, अगर बांसुरी वाले की धरती पे एक बार भी कदम पड़ जाए तो जिंदा स्वर्ग में यानी जन्नत की सैर हो सकती है। इतना बड़ा बड़ा कवि अरबी में लिखा है लोग। उस समय मोहम्मद के पैदा होने से पहले जितना यहूदी संस्कृति फल फूल रहा था उसी को तो इसने ज्यादा डिस्ट्रॉय किया। इसने डिस्ट्रॉय किया यहूदियों को, सबसे ज्यादा नरसंहार किया। और यहूदी वास्तव में कहिएगा तो ये लोग बहुत विलक्षण प्रतिभा होते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज 90 लाख यहूदी, मतलब सऊदी अरब तक का नक्शा अपना इजराइल के अंदर में दाब के रखा है कि मेरा ये इजराइल का नक्शा इतना ही में इजराइल मत समझो। इजराइल का मतलब होता है सऊदी अरब के मक्का तक, और इजराइल इसलिए कि वहां तक यहूदियों का पूरा राज था। तो ये हमारी आर्यन संस्कृति का जहां तक बात करेंगे तो आर्यन संस्कृति से सारा दुनिया ने लिया है, हमारे वेदों से। ये क्या रिसर्च करेगा लोग, क्या सर्च करेगा, इनके पावर सर्च करने का नहीं है, रिसर्च करने का पावर है इन लोगों के पास में। ये लोग पुनः खोज करते हैं जो हमारे पूर्वजों ने खोज करके किताबों में कैद करके जो रख दिया है, किताबों में जो ताला लगा के रख दिया है उसको ये लोग रिसर्च कर रहा है लोग, जिसको हम ताले में बंद करके रखे हुए हैं। और सोचिए जब वो लाखों की जो पुस्तकें हमारी जलाई गई, लाखों की संख्या में जो पुस्तकें जली है, उसमें कितना लक हुआ होगा, कितना इन लोगों ने जलाया, पूरा मानव सभ्यता जलाया। वो किताब नहीं जलाई इन लोगों ने, पूरे के पूरे मानव सभ्यता जलाया है इन लोगों ने, पूरे के पूरे विज्ञान जलाया है इन लोगों ने। ये पिशाच लोग समझा कि हम सिर्फ एक कागज का टुकड़ा जला रहे हैं, वो कागज का टुकड़ा नहीं है, उसमें पूरा मानव का, यहाँ तक कि आपको अमृतत्व प्राप्त करने तक का, उसमें अमृत तक का उसमें बखान था, बयान था जो रिसर्च किए हमारे मुनियों ने। ये लोग क्या निकालेंगे, इनके पास है क्या क्षमता? ये छोटा सा भी अगर उदाहरण देखे तो हमारे महर्षि सुश्रुषा जिन्होंने संसार का पहला सर्जन का उनको उपाधि दिया जाता है, हमें जो निरोग करने के लिए योग जो है, योग अगर जो भी इंसान अपना जीवन में प्रैक्टिस में रखे वो हमेशा निरोग रहता है। उसके बाद में आइए एनर्जी सेविंग, आपका उम्र घटा देने का औकात रखता है आर्यन संस्कृति। च्यवन ऋषि ने जो च्यवनप्राश बनाया, आज का च्यवनप्राश नहीं, अगर वास्तव में आज भी च्यवनप्राश ऑर्गेनिक रूप से उसका मात्रा में दिया जाए तो 80 साल का भी बुजुर्ग वो 40 साल का मतलब अपना ताकत रख सकता है। और ये मोहम्मद का जो कहता है कि 20 पुरुषों की हमारे पास कुबत थी, जाएंगे तो 100 पुरुषों की जन्नत में कुबत रहेगी, तुम्हारे पास ऐसे करने को मिलेगा, ये दिखने को मिलेगा, ये सब के सब ढकोसला बनाकर रखा है इसने। इसके पास है क्या, इसकी सभ्यता में है क्या ऐसा सभ्यता जहाँ पे कुत्ते से मतलब जीना करो? तो गलती उस कुत्ते के साथ, जिसने जो कुत्ता जीना किया था, दो पैर वाला कुत्ता, उसको यहाँ पे इस्लाम में दंड देने का मतलब कोई प्रावधान नहीं है। वो चार पैर वाला कुत्ते के साथ जो दो पैर वाला कुत्ता ने जो जीना किया, उसको चार पैर वाला को मारने का मतलब ये फतवा जारी करता है कि जिसके साथ बकरी के साथ अगर इसने जीना किया तो बकरी को मार दो, मुर्गी के साथ जीना किया तो मुर्गी को मार दो। रे पीड़ित को आज तक दुनिया में शायद ही कोई मानव सभ्यता हो तो पीड़ित को दंड देने का ऐसा प्रावधान किया होगा, हो ही नहीं सकता है। जिसने पीड़ा दिया हो पीड़क आजाद रहे, पीड़ित को गोली मार दो। इसका मतलब है कि जितने भी अरबी कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है या जहां भी हो, जो पाप करेगा
उसको आजाद छोड़ दो, और जिसके साथ पाप हो, जिसके साथ दगा हो, जिसके साथ अत्याचार हो, अपराध किया जाए, उसी को गोली मार दो। ये तो पूरे का पूरा जो हदीस है, जो कुरान है, ये पूरे नरपिशाच हम लोगों ने जो नाम दिया है वो बहुत छोटा लगता है। शायद इसके लिए हम लोगों को एक डिक्शनरी में अलग नाम, अलग शब्द का अब निर्माण करना पड़ेगा दीदी। और मैं इतना ही बोलूँगा, आज तो मेरा दिन भर घर में हूँ, तबीयत खराब था, सर दर्द कर रहा था, दवा खा करके थोड़ा मतलब रिलीफ महसूस कर रहा हूँ, तो आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम, और नमस्ते चिराग जी को। मैसान जी रुकिए रुकिए रुकिए, ये आर जी क्या लिख रहे हैं वो जरा पढ़िए, तो स्टार जी लिख रहे हैं, ये मैं हाईलाइट किया है, जरा पढ़िए क्या लिखे हैं। नहीं, ये उनके घर जाते थे, वो नहीं इनके घर आती थी। नहीं, फिर भी आप देखिए, घर जाते थे, पागल भी था, पागल मुगल थी, उसको सड़क पार करनी थी, तो मोहम्मद ने उसको सड़क पार करने की बजाय कहा कि तू अपने घर में रह, मैं आता हूँ। आपको पता है ये मुझे कैसे पता चली? उनकी कहानियां कितनी सुना है। पूछा कि मोहम्मद ने कभी कोई काइंडनेस का काम किया है, तो उसने बहुत खोज के लाया, बहुत खोज के लाया। उसने कहा कि भाई एक बार मोहम्मद जा रहे थे अपने किसी के साथ, तो उसको बहुत प्यास लगी मोहम्मद को, तो किसी ने मोहम्मद को पानी पिलाया। तो मैंने कहा मुझे मोहम्मद की काइंडनेस का एग्जाम्पल चाहिए, उस आदमी की काइंडनेस का नहीं चाहिए। तो ऐसे ऐसे है लोग। फिर उसने मेरे को कहीं से ढूंढ के लाया ये वाला कि कोई वुमेन थी, पागल थी, उसको सड़क पार करनी थी, तो मोहम्मद ने जो है ना उसको बोला कि तू अपने घर जा, मैं अभी आता हूँ 2 मिनट में। तो मेरे साथ सुवेद जी बैठे हुए थे, तो उन्होंने, तो मुझे तो समझ में नहीं आया कि मतलब, मैंने सोचा कि मोहम्मद बाद में जाके उसको सड़क पार कराएंगे, तो फिर वो उसको घर क्यों भेज रहे हैं, वो घर जली जाएगी तो फिर सड़क कैसे पार कराएंगे। तो फिर वो सुवेद जी ने कहा कि हाँ वो उसके घर में जाएगा बाद में मोहम्मद। अच्छा, मतलब तो वो भाग गया मुसलमान, उसको समझ में आ गया। सही बात है। नहीं, वहां सड़क होता भी था, ये भी देखिए वहां सड़क होता भी थे ना, ये डाउटफुल है मुझे। पहले तो उसको खोद के निकालना पड़ेगा कोई सड़क था भी या नहीं, सड़क नहीं, कच्ची सड़क। बात है कि आज के समय, आज का पीरियड का बात कर रहा हूँ, आज के समय में खाड़ी मुल्क में एक नाला नहीं बन पाया है, इसलिए कि वहां पे कुछ था ही नहीं, तो नाला क्यों बनाएगा लोग। जितने अपने आप जो भी बना था वही था, सड़क था नहीं लोगों को। जब एक कबीले से दूसरे कबीले में शादी करने के लिए नीचे ऊपर वाला वो बालू का रेत होता है ना, वो रेत होकर के जाते थे। और उस समय में क्या होता था, मान लीजिए कि आप यहाँ से शादी करने के लिए आप 5 किलोमीटर दूरी में जा रहे हैं दूसरा कबीला के पास में, तो होता ये था कि जब 2.5 किलो का ये लोग दूरी, 2.5 किलोमीटर जब दूरी पार करता था लोग, उसी समय में वहां पे तूफान या छोटी भी हवा आ जाती थी, तो इनके आंख, नाक, मुंह, कान सब में बालू, रेत ही रेत भर जाते थे, और ये लोग वहां पे गिर के सब मर जाते थे। और उसके बाद में जो हवा चलती थी तो ये सब के सब रेत में ही दबा करके वहीं पे दफन हो जाते थे। तो यही दफन का सिस्टम इन लोगों ने अपन कर लिया। उसके बाद में ये लोग सोचा कि भाई एक शादी करने के लिए हम 50, 30, 40 जो हरदम दफन हो रहे हैं, तो काहे हम वो लोग वहां जाएं, घर की माल घर में रखो, और ज्यादा बर्दाश्त ना हो तो बेटी जो है बेटी पे चढ़ जाओ, बहन पे चढ़ जाओ, सोई हुई देखो, जागी रहेगी तो कहीं सेंस वाली हो तो नहीं मानेगी। तो सोने के बाद में ये मुर्दे के साथ करते हैं, तो सोना तो कोई बड़ी बात है नहीं, सोते समय तुम जो चाहो कर लो, सुबह में उठो तो सब कुछ जायज है। यही तो वहां का सभ्यता है सर। ईंधन तो था नहीं वहां पे, पेड़ पौधे तो थे नहीं वहां पे, तो जलाने की संस्कृति, पंच तत्वों में विलीन कराने की संस्कृति, पंच तत्वों के बारे में जानने की संस्कृति इनके पास तो थी नहीं।
ये लोग तो कुछ समझते नहीं। हाँ, एक ही चीज इसने देखा, औरत मेरी खेती है, औरत को जैसे चाहो इस्तेमाल करो, जो चाहो करो भाई। औरत के ऊपर पुरुष के पूरा महीचंद जी सही पकड़ा, ये सो जाने के बाद करते हैं। तो यही चीज है कि औरत के ऊपर मोहम्मद ने पूरे कुरान लिख दिए और उसने सोचा कि हमने बहुत अच्छा संविधान लिख दिए। न ये संविधान लिखा, न कुरान लिखा, ये पूरे के पूरे शैतान लिखा। और क्या कहें इसे आगे, हमारे चिराग सर हैं, चिराग सर को बार बार मैं प्रणाम करता हूँ। आप बहुत हम लोगों से, मैं तो टूटी फूटी नॉलेज थोड़ा होता है वो आप लोगों से शेयर करता हूँ, तो आप लोग कुछ आगे बढ़ाएं, हम थोड़ा अब थोड़े महीचंद जी रेस्ट लेंगे। आपकी आपकी बात से एग्री हूँ। तीन पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट जो स्टार्टिंग से बात चल रही थी, चिराग साहब एक मिनट, हाँ इनको बोल देता हूँ। महीचंद साहब, आप जो इतना सुंदर सुंदर कविता लिख रहे हैं, दिल खुश हो जाता है। आप उस कविता को पेपर में लिखते रहिए, एक स्ट्रीम पूरा आपके कविता की करेंगे। इतना बढ़िया कविता है, बहुत ही शांति आ जाती है मन में, आनंद आ जाती है। ठीक है सर? सर मैं लिखा नहीं हूँ, अभी का अभी बोल रहा हूँ आपके लिखी, सामने लिखी, अभी का लिखिए, भूल जाए। नहीं नहीं महीचंद जी, उसको लिखना भी चालू करें, प्लीज 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 लिखना चालू करें। आपके बहुत अच्छी चीज मिली आपको। अरे सर, आप स्ट्रीम सुन के और दोबारा फिर बाद में रिमाइंड करके लिख दीजिए, पर उसको लिखना चालू करें प्लीज। हमारी रिक्वेस्ट है, पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे। परमात्मा आपके दिमाग में डाल रहे हैं, बिल्कुल शब्द पे शब्द परमात्मा जो है आपके दिमाग में डालते जा रहे हैं। आप उसको लिखिए, बढ़िया बोल रहे हैं आप। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, लिखने का प्रयास करूंगा। जी जी जी, चिराग साहब बोलिए सर। हाँ महीचंद जी, ये भारत की पुरानी सभ्यता है कि वर्णों की माला से वो बच्चों को सिखाते थे सब चीजें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप जो भी सोचते हैं, जो भी आपके मन में आती है कविता, जैसे आप बोलते जाते हैं, आप भले रिवाइंड कर ले, बाद में आराम से स्ट्रीम सुन ले, पर उसको एक पेपर पे उतारे, एक डॉक्यूमेंटेशन करें। हमारी गलती यही थी कि हमने कभी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करे। सो आप वो रिपीट ना करें, आप अपना जो भी है वो उसको एक जगह लिख के जाए, बस मेरी एक रिक्वेस्ट पहली। अच्छा ठीक है, ये जी 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 ठीक है। दूसरी जो हमारी बात चल रही थी उस पर, सबसे पहला जो आपका पॉइंट था, मैं फ्रांस में जो लाइब्रेरी जलाई अभी और जो नालंदा जली है, मैंने पूरी हिस्ट्री भी पढ़ी है। बुक्स जलाने के लिए मैं स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हूँ। नॉलेज बुक से मिलता है, ठीक है। मैं बुक्स बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि उसको जलाना मतलब कि आप ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट कुछ चीज कर रहे हो, आने वाली जनरेशन से उनका हक छीन रहे हो एक तरीके से। पहली चीज, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। सेकेंड थिंग, जो अपना डिस्कशन चल रहा था, जो ऑनगोइंग डिस्कशन था, उसी पे मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूंगा। एक मिनट इंदिरा जी, एक मिनट आप कंटिन्यू करें, एक मिनट। किताब हमारा कोई भी पुस्तक है, कोई भी पुस्तक, आवाज आ रहे, कोई भी पुस्तक है वो हमारा धरोहर है। और पुस्तक नहीं रहेगा तो हम मानव ही नहीं रहेंगे। तो कम से कम उस सब चीजों का रेस्पेक्ट रखना चाहिए, और ये सब ज्ञान का भंडार है, पुस्तकों को छेड़ना नहीं चाहिए। कोई भी पुस्तक है उसको हिफाजत से रखना चाहिए, और इसीलिए कम से कम वो जगह छोड़ देना चाहिए जहाँ पुस्तक रहता है। और जी इंदिरा जी, पुस्तक हो गया, और यूनिवर्सिटी भले आपके जी जी जी, जी बोलिए। मेरा ऐसा मानना है, भले आपका जो आइडियोलॉजी है उससे सिंक ना हो वो बुक्स, और आपकी आइडियोलॉजी से डिफरेंट भी हो, बट ऐसा होता है कि शास्त्रार्थ एक बहुत अच्छी चीज है। डिफरेंट ओपिनियन के लोग एक जगह बैठते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं, तो भले ही वो बुक एक डिफरेंट कंटेक्स्ट देती है, बट वो कहीं ना कहीं किसी एक व्यक्ति को दोनों आइडियोलॉजी के बारे में सोचना सिखाती है। तो दोनों आइडियोलॉजी को सुनने के बाद में व्यक्ति एक बीच की सोच पे आ सकता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ, भले ही वो आइडियोलॉजी आपसे सिंक हो या ना हो, उसको जलाना नहीं चाहिए, सबसे पहली चीज। दूसरा, ये मानता हूँ जो अपना रेगुलर डिस्कशन चल रहा था महीचंद जी और अपना, तो इनने बहुत अच्छी बात बोली कि ये लोग जो थे शादी करने के लिए दूसरे कबीलों में जाते थे और रेत के टीलों को पार करते थे,
मेरा ऐसा मानना है ह्यूमन इवोल्यूशन में जियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करती है चीजों पे। तो मेरा ऐसा मानना है कि वहां पे लकड़ियां तो होती नहीं थी, वहां पे जंगल होते नहीं थे, तो अल्टीमेटली उन लोगों के पास में ऑप्शन क्या था, लोगों को गाड़ देना। तो वहां से ये जो गाड़ने का एक प्रथा है, मतलब प्रॉपरली जो दफनाने की एक प्रथा है, वहां से वो निकली। सेकेंड थिंग मैं ये मानता हूँ कि जो बेटियों से शादी करने का, इन लोग ये तो नोमेड थे, इनके पास में अल्टीमेट नॉलेज तो था नहीं कि लाइफ क्या होती है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है और साइंस क्या होता है, इनको कुछ पता नहीं था। तो ये अनइथिकल प्रैक्टिसेस करते थे क्योंकि ये नोमेड ह्यूमन थे। तो वहीं से ये चीजें भी आई कि अपने ही बेटियों से शादी कर लो, अपनी फैमिली में शादी कर लो, और बाद में उस चीज को इनने अल्टीमेट स्पिरिचुअलिटी से कंपेयर करना स्टार्ट करा, और वहां जाके इनने मनगढ़ंत कहानियां बना दी उल्टी सीधी और लोगों के दिमाग में घुसेड़ना चालू कर दी। तो मुझे ये लगता है कि जियोग्राफी का भी बहुत इंपॉर्टेंस रहा है इस्लाम को नॉरिश करने के लिए, और जियोग्राफी के बाद में इन लोगों को पता कुछ नहीं था, इनने अपने मन से सब चीजें भर दी है, और उसके बाद में फिर उस पर्टिकुलर रीजन में इनने डोमिनेट भी करा है एक पर्टिकुलर टाइम तक। ये चीजें कहीं ना कहीं अब इम्पैक्ट कर रही है अपने जो हाईली कल्चर वाला एक एरिया था उस पे, अब ये रिप्लीकेट कर रही है, मतलब कहीं ना कहीं बैकफायर कर रही है। सो लोगों को समझना चाहिए कि वो एक पर्टिकुलर जियो पोजिशन के हिसाब से चीजें थी, वहां पे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, वहां पे बहुत बैकवर्ड एरिया था, वहां पे ना खाने को था ना पीने को था, इसलिए जन्नत में आप देखो नदियां बह रही हैं। क्यों बह रही हैं? क्योंकि उनने कभी जीवन में नदियां देखी नहीं है। इंडिया आते तो यहाँ पे नदियां ढेर बह रही हैं, उनको अंगूरों के बागान दिख रहे हैं, यहाँ इंडिया में ढेर बागान थे। तो ये सब चीजें इंटर रिलेट है, एक जियोग्राफिकल पोजिशन के हिसाब से उन लोगों को जो चीजें नहीं मिलती थी वो उनको जन्नत लगती थी, बट इंडिया में हर चीज अवेलेबल थी और यहाँ पे अल्टीमेटली नॉलेज था, सब चीजें थी। तो मुझे ये लगता है कि इस्लाम कुछ नहीं है, एक नोमेड पर्सन के हिसाब से उसकी जितनी सोच थी, उसने सोचा कि ये सबसे अल्टीमेट फॉर्म है लाइफ में जाने का, वहां तक का उसने लिख दिया, इसके आगे कुछ भी नहीं है। इसके आगे अगर आपको जाना है तो जहां पे रियली कुछ है वहां जाके आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा, और वो रियली वाली कौन सी प्लेस है आपको अल्टीमेटली जो हिंद का एरिया है वहां आके पता करना पड़ेगा कि वहां क्या था एक्चुअल में उस टाइम पे। हाँ सही बात है, यहाँ आते भी थे, अलबिरुनी ने आके यहाँ से बहुत कुछ सीख के गए, और वहां उन्होंने अरबी में लिखा जो फिर यूरोप में भी ये चीजें गई। 0 to 9 से अक्षर संख्या लिखने का तरीका भी यहीं से गया, खगोल शास्त्र का वो चीजें वो भी यहीं से गया, विज्ञान भी यहीं से गया, खगोल मैथ हायर मैथ भी यहीं से गया। जी 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 खगोल शास्त्र सर, मैंने आज एक बुक पढ़ी इंडस सागा की, एक मिनट माइचंद जी, आज मैंने एक बुक पढ़ी इंडस सागा की, वैदिक साइंस जो था, वैदिक मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वैदिक मैथमेटिक्स जो था वो जो अपनी जो आफ्टर डेट होती है उसके पहले भी 2500 ईयर पहले लिखी गई थी, उसके मतलब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं कि 3600 ईयर पहले वैदिक मैथमेटिक्स वर्ड का यूज करा गया है, तो इसका मतलब उसके पहले से एग्जिस्ट करती होगी वो चीज। तो मैथमेटिक्स का जो मतलब वर्ड का यूज करा गया है, इसका मतलब इसके पहले से लोगों को पता होगा कि मैथ्स नाम की भी कोई चीज होती है, गणित नाम की भी कोई चीज थी। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो यूरोप और इनके जो कल्चर सिविलाइजेशन होते हैं उसके हिसाब से, तो वैदिक साइंस के हिसाब से तो ये लोग बहुत इनके करीब करीब 2500 साल पहले ये जानते थे ये चीजें, तो वहां से ये चीजें तो सारी मतलब नल एंड वॉइड हो जाती है। छोटा सा उदाहरण दूं सर? जी 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 हाँ बिल्कुल सर। महाभारत आप सर महाभारत आप लोगों ने देखा होगा? सर मैंने तो पूरी नहीं देखी है, मतलब अभी तो स्टार्ट करा है मैंने, आप बताएं। महाभारत आप पढ़े जरूर होंगे थोड़ा या बहुत, महाभारत मतलब कि अर्जुन और कृष्ण पांडव का कितने साल हो गए इन लोगों का जीवन का, इनके अर्जुन मतलब कि अगर देखा जाए तो कितने हजार साल पहले थे वो, उस समय में शकुनी मामा छक्का पंजा चौका का जो खेल खिला रहे थे वो हमारे मैथमेटिक्स है या नहीं सर?
आई आस्क यू सर, वो तो मैंने बोला कि वैदिक साइंस के पहले से था या नहीं, वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक्चुअली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के हिसाब से आज से 3600 साल पहले वैदिक साइंस का यूज करा गया, तीसरी शताब्दी पूर्व है महाभारत, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। तो वहां पे भी अगर देख, हाँ तो वहां पे की सपनी मामा जो पासा फेंकते हैं, वहां पे अगर नंबर संख्या का गणना नहीं होता तो भांजे कितने चाहिए, तो छक्का चाहिए, तो ये लो छक्का। छह का मतलब देखिए वही होता है सहस्त्र शताब्दी, सारे के सारे हमारे वो 10,000 साल पुराना ये सहस्त्र शताब्दी का जो संख्या आया है वो उससे पहले है। और आप देखिएगा मनु स्मृति पढ़िएगा तो मनु स्मृति में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप कोई भी अपराध, एक ही अपराध चार आदमी करे, शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण, तो देखिए 2 आना 4 आना 8 आना 16 आना, आना का मतलब होता है 2 आना का मतलब हुआ 25, उसके बाद में आपको 4 आना का मतलब हुआ, सॉरी मैं इसको कंफ्यूज हो गया हूँ थोड़ा सा, देखिए 2 आना 4 आना 8 आना और 16 आना, 16 आना मतलब 100 होता है, 100 का परसेंटेज दिखाता है, 8 आना आपको 50 का परसेंटेज दिखाता है, 4 आना आपको 25 का परसेंटेज दिखाता है, और 2 आना जो है 12.5 का आपको प्रतिशत दिखाता है, परसेंटेज में आएंगे तो शूद्र के लिए सबसे कम दंड संहिता का यहाँ पे आपको व्यवस्था किया गया है। और जो ब्रह्म का गया था, अगर जो सबसे परफेक्ट है जो ज्ञानी है वो वही अपराध करे तो उसको 100 गुना दंड मिलना चाहिए। दंड संहिता का देखिए मनु स्मृति में कितना प्रश्न लिखा हुआ है। तो ये आप जो कह रहे हैं तो सारे संख्या उस समय में मनु स्मृति की कार्यकाल में ही हो गई है। और मनु स्मृति में ये भी आपको प्रश्न किया गया है कि आप ब्याज उतना नहीं खा सकते हैं, आप 100 रुपया किसी को ब्याज पे लगाते हैं तो 100 रुपया का 200 रुपया बनने के लिए सर आपको 100 साल इंतजार करना होगा, 100 साल में जाकर के 100-200 बनेगा ब्याज के हिसाब से। देखिए कितना महीन तरीका से उन्होंने समाज शास्त्र, समाज में जो कानून है व्यवधान है इसको संचालन करने के लिए उन्होंने व्यवस्था की है। और ये लोग मनु कहता है, लोग एडम था, मनु हमारे राजा थे, मनु एक महाराज थे, राजा का संहिता है ये। अरे उस सर समय में बात हमारा वो तो बोगस बात बोल रहे हैं, ओम ही अल्लाह है, मतलब कोई सेंस ही नहीं उस बात में। आज तो हम अपने टॉपिक से बहुत हट गए, मोहम्मद के बच्चे था। मैं दो चीज बोलूंगा मैडम, मैं दो चीज बोलूंगा, यहाँ जो नोआ या नूह है उसके साथ मनु का बहुत रिलेशन है, आप माने ना माने, हम लोग माने ना माने, उनके साथ बहुत रिलेशनशिप है। और कई पूरा पूरा का पूरा स्टोरी सेम ही है, थोड़ा आगे पीछे है लेकिन सेम ही है। हो सकता है इसका सोर्स जो है सुमेरिया के पास है, इसीलिए सारा स्टोरी तीनों चारों रिलीजन में स्टोरी एक ही आ रहा है। अच्छा दूसरा चीज है कि कल आपका वेद का जो था यजुर्वेद में, मुझे बड़ा अच्छा लगा, उसमें टैक्स का भी वर्णन है, राजा कैसे काम करेगा और टैक्स कैसे लेगा और उसको कैसे खर्चा करेगा। मतलब आप समझिए 10,000-15,000 साल पहले भी हमारे देश में इतना सुव्यवस्था था कि देश के लोगों से टैक्स भी लेंगे और टैक्स को अच्छे से यूज करेंगे, और जो शिल्पपति हैं या व्यवसायी हैं युद्ध में उनका कोई हानि ना हो वो भी क्लियर लिखा गया है। जो लोग कृषि कर्म कर रहे हैं और शिल्प कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उनको युद्ध में कोई हानि ना करें वो भी प्रबंध है। तो ये सब पढ़ के मुझे बहुत खुशी लगा, और मुझे सबसे टैक्स वाली चीज लगा उस टाइम में इतना उन्होंने अच्छा व्यवस्था करके रखा था। जो टैक्सेशन हम सोचते हैं कि ये मॉडर्न गवर्नमेंट का सिस्टम है, वो उस टाइम में भी वो था, ये चीज मुझे बड़ा अच्छा लगा।
चलिए अब मेन पॉइंट पे आते हैं, और आप बोलिए मैडम। हाँ तो दीदी बोल रही थी मोहम्मद के बच्चे के बारे में। मैं बार बार इमेजिन करता हूँ कि खदीजा क्या मोहम्मद की ही बेटी थी। आई डाउटफुल अबाउट दिस पॉइंट। मेरा हमेशा खदीजा उनकी वाइफ थी, फातिमा फातिमा खदीजा याद आ जाता है, याद फातिमा मोहम्मद की बेटी थी। उसकी सुनिए उसकी शक्ल, एक हदीस कहती है उसकी शक्ल मोहम्मद से बहुत मिलती थी। फातिमा ही अकेली लड़की थी उसकी मोहम्मद की, और जो दो बेटे हुए थे वो बचपन में ही मर गए। तो वही तो उस समय में तो सबका शक्ल देख करके बता देता था, देखो ये तुम्हारे जैसा ही दिखता है। सर्टिफिकेट तो शक्ल से ही दिया जाता था उस समय में, क्योंकि उस समय में अकल का प्रयोग नहीं था, सिर्फ शक्ल का प्रयोग किया जाता था। 5 साल बाद में भी जिसकी बच्चे होते थे उसको भी शक्ल से ही वहां पे प्रूफ दी, सर्टिफिकेट दिया जाता था, किसी अकल से सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था। सहाबा जाते थे लोग वो क्या बोलते हैं जिहाद में, तो जिहाद में चले गए। अब जिहाद में जाने के बाद कोई 2 साल में आता है, कोई 5 साल में आता है। 5 साल में आने के बाद उसका जब आया तो उसका बच्चा हो रहा है, तो बच्चा ए, देखो ये बच्चा जो है ना बिल्कुल तुम्हारे शक्ल से मिलता है। था ही नहीं, मैंने तो पहले ही आपने मेरा मिस कर दिया वो रावण वर्सेस मोहम्मद। उसमें मैंने बताया था कि उस समय जावते रहात नामक एक रस्म होती थी, उसमें एक महिला 5-8-10 आदमियों को चुन लेती थी और उनके संग रहती थी उसके सर्कल में। तो उसमें से जब वो गर्भवती हो जाती थी तो उन्हीं आदमियों में से एक को चुन लेती थी अपने बच्चे का पिता। तो उसने अब्दाल्लात नाम के एक आदमी को अपने जब वो गर्भवती हो गई तो उसको चूज करा एज फादर। वो जरूरी नहीं है उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं था वो, तो उसने उसको चुपिक करा कि ये मेरा हस्बैंड, ये मेरा मतलब इस बच्चे का पिता। तो ऐसे उसने पिक करा और वो अब्द अल्लात का नाम इन्होंने बदलकर अब्दुल्ला रख दिया, क्योंकि अब्द अल्लात का मतलब होता है जो अल्लात वहां की देवी थी उसका स्लेव। तो अल्लात को तो मानने से मना कर दिया था, लात अल्लात अलूजा और अलमनात, तो इनको मानने से मना कर दिया था। तो ये इसीलिए उसका नाम बाद में चेंज करके अब्दुल्ला रख दिया, और तब ये काथम मेरा ये कथन बाद में तो मेरा ये कथन है यदि मेरा ये कथन है कि एक तो मतलब कि जब फातिमा थी तो फातिमा उसकी जो बेटी थी, तो आप ये इमेजिन करिए ये जो पेडोफोलिया पेडोफाइल था इसके पास तो डेली बाय डेली एक चेंज करता था मोहम्मद। अपनी तो पत्नी के पास इसको जाने का फुर्सत नहीं होता था। उसके बाद में जब तक ये मंद खदीजा के साथ में शादी था तो ये बिजनेस व्यापार में ज्यादा दौड़ा फिरा रहता था। तो हमको ये समझ में नहीं आया, ये तो खदीजा को भी उतना टाइम दे नहीं पाता था। फातिमा आई तो इस पे डाउटफुल होता है, इसलिए डाउट होता है कि ये सर्टिफिकेट वो भी खाली यही दिया है कि देखो फातिमा का शकल मेरे से मिलता है। ये जो शकल का उसने जो प्रमाण दिया है इसी पे मैं उसका अकल का मतलब प्रमाण लेता हूँ कि सबको वो शकल दिखा दिखा करके प्रमाणित करता था, सर्टिफिकेट देता था कि ये तुम्हारा औलाद है, ये तुम्हारा बच्चा है, ये तुम्हारा बच्चा है। तो इसने अपनी बच्ची के बारे में भी वही बोला था फातिमा के बारे में कि ये देखो मेरी बच्ची है, मेरे जैसे शकल मिलता है। तो इसको प्रमाण देने का प्रूफ देने की क्या जरूरत है? प्रूफ तो उसको दिया जाता है जिसमें गलती कहीं शंका हो, कहीं डाउटफुल रिकवरी हो, तो वहां पे प्रूफ दिया जाता है। जब आपका खोटा सिक्का न हो तो आप क्यों देंगे प्रूफ? आपका अगर एकदम मतलब 24 कैरेट का सोना है तो आपको प्रूफ देने का मतलब ही नहीं होता है। यहाँ इसलिए कि बार बार उसने कहा कि देखो फातिमा का शक्ल मेरे से मिलती है, ये मेरी ही बेटी है। नहीं, ये उसने इस फातिमा थी उसकी बेटी, उसकी एक ही बेटी थी बस फातिमा, और कोई बच्चा नहीं हुआ। उसके दो बेटे हुए थे वो बचपन में मर गए थे, और लोग कहते थे कि फातिमा के शक्ल उससे मिलती, मोहम्मद थोड़ी बोलता था। जी
जी, वही मैंने जो मतलब कि वहां पे और उसके हदीसों में बच्चे नहीं सुना। हुए, उसकी जो छोटी छोटी बीवियां थी उनसे कोई बच्चे नहीं हुए उसको, क्योंकि हमारे यहाँ वेदों में लिखा हुआ है साफ साफ कि जब आप काम वासना ज्यादा करें तो आपका शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, तो मोहम्मद का शरीर जो है वो जीर्ण शीर्ण हो गया, इसलिए उसके कोई बच्चा नहीं हुआ। तो महीचंद इसीलिए ना जी, उसके मैं पास आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, महीचंद जी जी सर वहां बहुत गंद है, कोई मतलब नहीं है वहां पे डूबने का। वहां हम लोग डूबते नहीं है सर। वहां देखिए हम लोग जो है ना अरे वहां सर, पे तैरना मैं चाहते पढ़ हैं पढ़ के ऊपर का परेशान हो गया, पठार वहां पे हो कुछ भी नहीं है इतना। हाँ मैं आपको जितना जी। देखिए एक इंदिरा जी आपको डाट जब समझे तो स्ट्रीम क्लोज कर देना। देखिए एविडेंस के हिसाब से ये कंफर्म है कि फातिमा उनकी एकमात्र बेटी थी जो बची थी। इसके पहले उनके दो बेटे थे जो मर चुके थे, इसके अलावा उनका कोई बच्चा ही नहीं था। जी, ये तो सुनी सुनाई रटी रटाई बातें हैं। अब वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है, वो तो मतलब कि अब खदीजा बताएगी कि फातिमा उसकी थी या नहीं। तो खदीजा से तो हम लोग फोन करके पूछ नहीं सकते हैं, उसके पास मोबाइल आज तो है नहीं। अब मोबाइल होता तो हम लोग पूछ भी महीचंद लेते। जी आप जो मैं कह रहे हैं वो सही है, हो सकता है कि ये सब भी गलत हो, पर जो हमारे पास ऑथेंटिक प्रूफ है वो इन्हीं चीजों का है, और हमारे पास प्रूफ नहीं है। और बाकी जो बाकी तो अटकलें हैं, अटकलें तो हम लगा सकते हैं कुछ भी बारे में। तो हदीसों में तो और सिर्फ दूसरा अटकलें महीचंद लगाई जी, जाती है ना। ये डिस्कस करने वाला पॉइंट ही नहीं है। डिस्कस करने वाला पॉइंट ना ये है डिस्कस कि नहीं कर इस्लाम सकते। ह्यूमैनिटी के पॉइंट पे ओके है, ओके बात वहीं खत्म तो हो जाती है जी महीचंद जी। जी इसका एक ही लाइन है मैं सर, आपको सपोर्ट एक ही करता हूँ, लाइन। महीचंद जी मैं आपको सपोर्ट करके कुछ बोलता हूँ। तो शक्ल की बात है, तो मोहम्मद का चार चाचा भी वहीं आसपास में थे, तो मोहम्मद का शक्ल भी मिल सकता है, क्योंकि चाचा का भी हो सकता है, चाचा भी यंग थे उस टाइम में, कोई चाचा उसमें हो सकता है इन्वॉल्व, मुतालिब था, जहल था, लहब था, और एक था, चार थे, तो कोई भी अच्छा हो सबसे सकता बड़ा है, कॉन्ट्राडिक्ट तो अबूबकर भी हो मोहम्मद के सकता है। 2 साल और 4 साल, ये जो एक कॉन्ट्राडिक्ट है वो ये मेरे को आज तक समझ में नहीं तो आया कि उनके पिता के इंतकाल के 2 साल और 4 साल के, चलो 2 साल में भी हुआ, सबसे मिनिमम टाइम लेता हूँ, तो एक बेबी को मतलब कम से कम 9 मंथ तो चाहिए ना, तो जी, कैसे उस हो गया समय दो में साल बाद? ना ये चाचा ही उसका बाप है, ये चाचा जो है जो वही उसका बाप है, तभी उसको इतना प्रोटेक्शन देता था। बात यह है चाचा है वही जी, भतीजा है, और जो भतीजा है एब्सोल्युटली वही चाचा है चाचा वही है, भतीजा है, बात यह है एब्सोल्युटली वही तो। राइट। अब आप लोग मेरे पॉइंट पे, हाँ अब आप लोग बिल्कुल, मेरे मैं आपको पॉइंट पे आ सपोर्ट गए, करता हूँ। अच्छा जिंदाबाद। हाँ, एक और बात है जो मैडम ने बोला वो भी मैं सपोर्ट करता हूँ। जो लोग बहुत काम मुतजिक हो रहते हैं उनका वो खराब हो जाता है, उनका मैं यहाँ ओझर डिसएग्री बो करता हूँ। हाँ नहीं 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 सर, ये मैं तो बताता हूँ, वेदों से भी नहीं, मैं इसको बताता सपोर्ट हूँ। मिलता है कि जो वीर्य का नाश करता है उसकी बुद्धि हाँ भ्रष्ट हाँ भी होती है और उसका कुल का नाश भी होता है, ये ना मैंने ना पढ़ा है। वो एक तो चिराग सर, मैं चिराग वो सर नहीं एक बताऊंगा, एक सर एक मिनट एक एक मिनट एक सर, मिनट एक मिनट एक मिनट। तो अच्छा एक आइए। चैनल है, मैं सबको ये सारे भाई लोगों को मैं बोलता हूँ, बहन लोग कान बंद कर ले ज्यादा अच्छा है। एक चैनल है जो ये सेक्स के बारे में खुल के बिल्कुल बताती है और अच्छा चीज बताते हैं, मैं बुरा चीज नहीं, वो बिल्कुल ज्ञान देती है। तो उसका कहना है कि अगर आप बहुत लड़के क्या करते हैं, ब्लू फिल्म देख के हस्त मैथुन करने लग जाते हैं, हैंड प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर आप ब्लू फिल्म देखते हुए हैंड प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपका ओझर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, तो ऐसा कृपया ना करें। तो मैडम की नपुंसकता बात की ओर भी सही जाती हो है, गई। जी, नपुंसकता की ओर अब जाती बोलिए है सर। सर, इस पे सॉरी मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, प्रीति मैम मेरी नहीं, इसमें मदर नहीं, की एज जैसी दूसरे हैं, बारे में बोलिए जी। मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है इस चीज के लिए हाँ कि हाँ नहीं, मैम बैठी हुई इसमें मत स्ट्रीम करिए, इसमें मत करिए, आप अपना कमेंट में। करिए, इसमें मत करिए, बिल्कुल मत करिए। मैं तो बात यह इन्फॉर्मेशन भाई चीज ये, दादा एक मिनट, दादा एक मिनट, मैं ये इन्फॉर्मेशन सभी लोगों को देना चाहता हूँ कि कृपया इस तरह गलती मत करें। मतलब आप हैंड प्रैक्टिस कर सकते अच्छा हैं, एडवाइस दैट इज अ गुड वे टू रिलीज योर एनर्जी, अगर आप संभाल नहीं सकते तो वो कर दो, वो बेटर है, साइंस भी बोलता है हाँ कर सकते हो,
लेकिन रोक सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं रोक सकते हो करो, लेकिन देखते हुए मत करना, वो तुम्हारा ऊपर बहुत ज्यादा बुरा असर करेगा, फिर वो काम ही नहीं करेगा, बंद हो जाएगा काम करना उसका। इसीलिए ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बाकी कुछ नहीं। वो बाकी टॉपिक पे आते हैं जी, आप हाँ तो बोलिए। इसका थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ सर। बात यह है कि जैसे दीदी जो बात कर रही थी, हमारे शास्त्र के अकॉर्डिंग टू आर्यन संस्कृति, अकॉर्डिंग टू वेद वो बता रही थी, लेकिन इस्लाम में तो मोहम्मद के पास में 20-20 मर्द के कुव्वत होते थे, दांत दो तोड़वाने वाले। तो सब हवा ये है, सब तो सब झूठ पे हवा झूठ, है, ये तो अरे सब झूठ पे झूठ में झूठ है, झूठ आप है। क्यों उसमें जाते हो, उसमें जाओ ही मत, वो सब झूठ पे झूठ है। हाँ तो दूसरी चीज है, हमारे यहाँ इतना ही नहीं है, धर्म शास्त्र के साथ साथ ब्रह्मचर्य पालन कैसे किया जाए, काम सूत्र को पढ़ के कैसे काम को रोका जाए, दसों इंद्रियों को बस में करने के लिए कौन कौन से श्लोक हैं, किस श्लोक से आप किस मतलब की इंद्रियों को बस में ला सकते हैं, आप अपने जो अनमोल रत्न है उसको मैं अनमोल रत्न कहता हूँ, जो अनमोल रत्न है उसको आप कैसे रोक सकते हो, उसके बारे में भी स्पष्ट रूप से, आप खाना खाते हुए भी, आप हाइजीनिक फूड खाते हुए भी, ऑर्गेनिक फूड खाते हुए भी उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे शास्त्रों में है ये। अगर काम सूत्र पढ़े, काम सूत्र में भी ये स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। दूसरा चीज बता रहा हूं मैं आपको, जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद महाराज जब शिकागो में गए हुए थे, उस समय में ये प्रमाण है हमारे पास, सबसे बड़ा किला, उस समय में शिकागो में जब उन्होंने अपना स्पीच दिया, स्पीच देने के बाद जब उन्होंने वहां पे बोला, माय डियर अमेरिकन सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने मतलब कि पहला वर्ड यूज किया था, उसके बाद वहां पे पिन साइलेंट में सारे लोगों ने उनका स्पीच सुना, मैं शॉर्टकट में ही आ रहा हूँ। उसके बाद में हुआ ये कि जब वहाँ स्वामी विवेकानंद जी थे, तो वहाँ पे एक गोरी मैम ने उनसे बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, तो उन्होंने सवाल किया, आप मुझसे ही शादी करना क्यों चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं आपके जैसे ओजस्वी, आपके जैसे प्रतिभावान, मैं एक संतान पुत्र का जन्म देना चाहती हूँ। तो उन्होंने देखिए कैसा सवाल का जवाब दिया, आप उसके पीछे क्यों पड़े हैं, मैं तो स्वयं ही आपका पुत्र बनने के लिए तैयार हूँ, मेरे जैसा पुत्र आपको क्यों चाहिए, जैसा को छोड़िए, मैं ही आपको मां स्वीकार करता हूँ। और ये संस्कृति और ये सभ्यता सिर्फ सनातन आर्य वैदिक संस्कृति में ही मिल सकती है, अगर वहां पे मोहम्मद होता तो वो 100 शादी वहीं से करके आ जाता, उसको ऑफर तो मिलने का बात छोड़िए, वो डफर होकर के चढ़ जाता है। तो ये डिफरेंसेस है, सो मेनी डिफरेंसेस बिटवीन इस्लामिक लॉ, इस्लामिक कल्चर एंड आर्यन कल्चर, आप इसको समझिए, हम अपने ज्यादा से ज्यादा जोड़ दे अपने आर्यन कल्चर के ऊपर, हमारे यहाँ तो सारे शास्त्र हैं, कौन सा शास्त्र नहीं है, हमारे यहाँ नीति शास्त्र है, योग शास्त्र है, आयुर्वेद शास्त्र है, आपको मतलब कि काम कीड़ा के लिए आपको काम सूत्र है, ये शास्त्र है, ये सब पे हमारे शास्त्रार्थ तो हुए हैं पहले, लेकिन ये जो मतलब कि तथा कथित पिशाचों के आने के बाद से जब हमारे पुस्तकालय जलाई गई, उसके बाद से ही शास्त्रार्थ रुके हैं, इस बात का पूर्ण पुख्ता प्रमाण है कि शास्त्रार्थ रुके कब, जब इसने जनेऊ काट काट के, सर काट के जनेऊ जामा करना शुरू किया, उस काल से शास्त्रार्थ रुके हैं सर, इससे पहले हमारे शास्त्रार्थ चलते थे। अब आगे आप लोग आइए, बीके सर आए हैं, आपको जय श्री मणिचंद राम, जय हिंदू राम। जी, मणिचंद जी, इंदिरा जी, बीके जी, आज का टाइम हो गया मेरा, आपको बताया मैं 10 बजे निकल जाता हूँ, तो कल मिलता हूँ जी फिर मैं आपसे, है ना। नमस्कार, शुभ रात्रि, नमस्कार चिराग साहब, ठीक है ठीक है, शुभ मैं रात्रि, भी शुभ रात्रि, निकलूंगा, बीके मैं भी सर आज बोलो। अस्वस्थ हूँ थोड़ा, लेकिन आप लोग के साथ में रहने पे थोड़ा एनर्जी डेवलप हो जाती है, ये बहुत अच्छी बड़ी बात बात है कि आप लोग के साथ है, बहुत एनर्जी बढ़िया। बनती है। आप तो रुकिए, विकेश साहब आप बोलिए, कैसे हैं, तबीयत कैसा है अभी आपका?
बैटरी मेरी लो हो गई है ना, तो मैं बोला थोड़ा बात कर लूं। जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र, हर हर महादेव। ऐसे शैतान को देखते हैं हमजा जी भाग जाते हैं। क्या मालूम, वास्तव में शैतान को डरते हैं, अभी भी उनको डरते हैं। वैसे आज अच्छा बातचीत चली, लेकिन मैं ये खाली कहने आया था कि जैसे कहते हैं लोग कि फातिमा उसकी बेटी थी मोहम्मद की, तो ये गलत पूरी तरह से, क्योंकि उसका दावा जो था उसने ना बोल दिया था कि मेरी बेटी, तुम मोहम्मद की बेटी नहीं हो, तो फिर आगे बात करने का कोई वैसे मतलब ही नहीं निकलता फातिमा पे। शैतान साहब, आपको रोकना चाहूंगा। जी मैं आपको रोकना चाहूंगी, प्लीज ऐसे दावे ना करें बिना रेफरेंस दिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे आदेश में जाके चेक कर लेंगे, तो हम अपने चैनल पे जो है वो करते हैं। आप मेरे को रेफरेंस प्रोवाइड करिए और बिना रेफरेंस दिखाए मत बोलिए। शैतान साहब एक बात कहूं? ठीक है, तो कोई बात नहीं। शैतान सर आपसे एक रिक्वेस्ट करूं। सॉरी शायद मेरी आवाज नहीं आई, मैं ये कह रही हूँ हम अपने चैनल पर रेफरेंसेस जो हैं वो ऑथेंटिक सोर्सेस से लाते हैं। हाँ आवाज आ रही है, आप बोलिए। नहीं आपकी तो, आवाज आई है, सुन लिए हैं हम लोग सुन लिए। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा शैतान सर आपसे, आप आजकल मुझसे खपा तो नहीं है इतना? अरे भाई मैं किसी से नहीं खपा रहता, मैं सब पर सीखता हूँ। और दूसरी बात यह है कि आपके आने से वो चिराग सर नहीं भागते हैं, आप लेट आते हैं जब उनका जाने का टाइम हो जाता है, ये बात है, फर्क इतना ही है। आपके आने से उठर के बात। अरे ऐसे ही मैं मजाक किया था यार, तू उसमें जा रहे हो, मैं मजाक किया हूँ ऐसे ना, ना, मैं ऐसा ही फनी में ही बोल रहा हूँ, मैं कोई सीरियसली नहीं बोल रहा हूँ। तो आप अपना कुछ विचार रखे शैतान साहब। बस यही रखना था, लेकिन हो गया, अभी उसका उस हदीस का नंबर नहीं मेरे पास ना, इसलिए अभी क्या बोलूं, हो गई मेरी बैटरी भी लो हो गई, मैं निकलता हूँ, सुन रहा हूँ। कल आप वो नंबर ले आइए, और स्ट्रीम में भी जब ये आ जाएगा, इसमें आ जाएगा यूट्यूब में, उसमें भी आप लिख दीजिए उसका हदीस का नंबर, रेफरेंस दे दीजिए, अच्छा रहेगा। मैं भी खुद ढूंढता था, मुझे नहीं मिला, मैं एक बार ढूंढ लेता हूँ। आप हदीस का नंबर ले लीजिए जी। आप सब का नंबर है, मेरे को भूला हूँ, ठीक है, इसी बात पे। आप सबको शुभ रात्रि, इंदिरा सर, जय हिंदू राष्ट्र दीदी, सबको प्रणाम। अच्छा मैं निकल रहा हूँ जी, मैं चंद जी, प्रणाम, जय हिंदू राष्ट्र। अच्छा शैतान जी, मैं आप ही के लिए आया था वापस, मैं एक्चुअली आपका टाइम देख के नहीं जाता हूँ, मैं मेरा एक्चुअली क्या 10 बजे बाद। हेलो हेलो शैतान जी, एक्चुअली मेरा एक्चुअली क्या है, मैं 10 बजे बाद मेरा जो टाइम होता है मैं फैमिली को देता हूँ, मतलब कम्प्लीटली मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, तो मैं उन्हीं को टाइम देता हूँ, मेरा कमिटमेंट है उससे। तो आपसे माफी चाहूंगा, अगर आप मुझसे कुछ बात करना है तो आप 10 बजे के पहले आ जाइए। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं मजाक किया हूँ, तुरंत बताया तो मैं मजाक किया हूँ, सीरियस। चलिए कोई बात नहीं, मैं बस आप ही को यही इन्फॉर्म करने आया था। चलिए कोई बात नहीं, ओके मैं निकलता हूँ फिर, ठीक है। मैं भी, मेरा बैटरी डिस्चार्ज है बहन जी, मैं भी निकलता हूँ अभी, इसीलिए लेट आया था। इंदिरा जी स्ट्रीम क्लोज करते हैं, क्या बोल रहे हैं इंदिरा जी, स्ट्रीम क्लोज करें, आपको कुछ कहना है एंड में? हाँ एक सेकंड रुकिए, एक अच्छा सवाल आया है, मैं प्रश्न, एक अच्छा प्रश्न आया है, एक मिनट में उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको दिखाता हूँ, ये आप पढ़िए जरा। हाँ ये पढ़िए। Where are books of 124,000 nabis who have come earlier? Do those books match with Quran?
जवाब ये तो दीजिए शोध इसका। का विषय है, ये तो शोध का विषय है। इतने सारे बिल्कुल नबी, वो भी जी इनकी एक हदीस बोलती है, हमने सब तरफ दिए हैं, लेकिन दिए सारे उस अरब में से ही आए हैं, अरब वाली मिडल ईस्ट से ही निकले हैं सारे के सारे, और पूरे वर्ल्ड में तो नहीं है। अब उन्होंने कौन सी किताबें लिखी हैं, इस पर एक शोध करा जा सकता है। ये सही बात है, ये सही बात है। तो इसको फिर आज का सांग करते हैं, सभा बंद करते हैं आज जी जी। ठीक है जी, नमस्ते। आप बोल दीजिए तो लास्ट में। जी, मैं सबको कहूंगी कि आप लोग जो हैं वो, ये आप ही का चैनल है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और यहाँ पर डेली आया करिए, और अपने दोस्तों को भी बोलिए, और मेरे जो ये चैनल है ये सब्सक्राइब करवा दीजिए औरों को भी, उनके मोबाइल पे जाके। और अगर कोई मॉडरेटर है एक्स मुस्लिम चैनल पर, तो वो आप यहाँ पर भी आया करिए, क्योंकि आपका पहला कर्तव्य जो है वो है सनातन के व्यूज बढ़ाना, तो इसलिए आप जो है यहाँ पर उसको शेयर कर दीजिए प्लीज, और लाइक कर दीजिए, और अपने घर में सेल्फ डिफेंस की सब चीजें रखिए। कल फिर मिलते हैं सामवेद में। जय हिंदू राष्ट्र।